गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर सैलरी इट वुड बी अ वेरी क्विक रिविजन और मैं अपनी चार्ट बुक से इसको एक्सप्लेन करूँगा आई एम एक्सपेक्टिंग आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपको सैलरी ऑलरेडी आता है एंड दिस लेक्चर यू आर वॉचिंग ओनली फॉर द रिविजन पर्पज इलस्ट्रेशन वगैरह मैं बहुत कम डिस्कस कर पाऊंगा बिकॉज आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्विक ठीक है शुरू करें सो एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चार्ट दैट इज़ फॉर सैलरी ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर्ड होंगी बट बहुत क्विक क्विक मैनर में ठीक है चलिए शुरू करते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी सेक्शन फिफ्टीन से लेकर सेक्शन सेवनटीन तक हमें पता है, आते हैं फिफ्टीन चार्जिंग सेक्शन ऑफ सैलरी है सिक्सटीन डिडक्शन्स फ्रॉम ग्रॉस सैलरी एंड सेवनटीन के एक्चुअली तीन पार्ट्स हैं सेवनटीन वन मीनिंग ऑफ सैलरी सेवनटीन टू में परक्यूजिट्स हम पढ़ते हैं सेवनटीन थ्री प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी चलिए ये तो था सेक्शंस के बारे में अभी हम डिटेल में भी बातें कर लेंगे डिटेल में मतलब चार्ट फॉर्म में ठीक है ओके सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन है दो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कौन सी इनकम सैलरी में टेक्सीबल होती है विच यू रिसीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इनकेस द पर्सन इज एन एम्प्लॉय और उसको एम्प्लॉयर से कुछ पैसे मिलते हैं बिकॉज ही इज़ वर्किंग ओवर देयर एज एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो वहाँ पर जॉब uh, करता है और उसको जो भी पैसे मिलते हैं या फिर वो इन काइंड में परक्यूजिट्स या फैसिलिटीज़ मिलती हैं दैट विल बी कवर्ड अंडर सैलरी वो सैलरी में आता है तो पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं कि पेयर शुड बी एम्प्लॉयर या एक्स एम्प्लॉयर भी हो सकता है जैसे पेंशन ठीक है पुराने एम्प्लॉयर से अगर हमें मिल ऐसे मिलते हैं तो भी हम सैलरी में ही टैक्सेबल करते हैं

फॉर uh, एग्जाम्पल जब हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में देखते हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है और वो अपने पार्टनर को सैलरी देते हैं ठीक है नाम यूज कर देते हैं हम सैलरी बट प्लीज बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म इज एन एम्प्लॉयर और पार्टनर एम्प्लॉय होता है क्या उसका नहीं आंसर इज नो सो दिस सैलरी ऑल दो वर्ड सैलरी यूज किया गया बट दिस इनकम इज नॉट टेक्सीबल अंडर दिस हेड सैलरी हेड में हम टेक्सीबल नहीं करते वी नो दिस इज टेक्सिबल अंडर पीजीबी जब पार्टनर से सैलरी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिले पार्टनर को तो वो हमारा पीजीबीपी होता है दूसरा होता है कि हम लोग जानते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं है, या एमएलए हैं इन लोगों को भी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ऑल्सो पे दिम सैलरी इज दंडर दिस हेड क्या वो इस हेड में टेक्सेबल होता है सैलरी हेड में द आंसर इज नो बिकॉज दीज एमपी एम एल एज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर डज नॉट एग्जिस्ट उन लोगों के बीच में ठीक है गवर्नमेंट और एम पी और एमएलए के बीच में वो रिलेशनशिप नहीं है तो जो पैसे एम पीज को या एमएलए को मिलते हैं दैट इज इजेबल अंडर आई एफ ओ एस उसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिले जाते हैं ठीक तो है तो कमिंग बैक सेक्शन फिफ्टीन चार्जिंग सेक्शन सैलरी का बात करता है दैट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होना चाहिए तभी हम इनकम सैलरी की मानेंगे अदरवाइज वो दूसरे हेड की इनकम बन जाएगी दूसरी इंपॉर्टेंट बात सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है जैसे ही सैलरी ड्यू होती है हम टैक्सेबल कर लेते हैं ठीक है वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट केस सैलरी गेट्स ड्यू इट बिकम्स टैक्सेबल इन दैट पर्टिकुलर ईयर या फिर अगर आपकी सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई है बट आपको एडवांस में सैलरी मिल गई है अंडरस्टैंड दिस फॉर एग्जाम्पल हमने दो तीन महीने की सैलरी अपने इंप्लायर से बोलकर एडवांस में ले ली है तो वो किस ये टैक्सेबल होती है रिसिव्ड बेसिस पर एज एंड वेन इट इज रिसीव्ड सो हाउ वी कॉल दिस वी कॉल दिस लाइक दिस ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर सैलरी हम टैक्सेबल करते हैं ड्यू बेसिस पर वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट ड्यू बेसिस पर या फिर इनकेस अगर ड्यू नहीं हुई तो रिसीव बेसिस पर भी तो वी अंडरस्टैंड कि एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल हो जाती है इन द ऑफ़ रिसेट अच्छा फिर क्या जब वो बाद में ड्यू होगी किसी और साल में नेक्स्ट ईयर लेट से वो ड्यू होगी क्या वो दोबारा से टैक्सेबल होगी अमाउंट इज टेक्सड फिर हम उसके ऊपर दोबारा से टैक्स नहीं लगाते ठीक है सब लोग समझ रहे हैं जैसे में एक बार दोबारा एक बार थोड़ा सा और डिटेल में बातें कर लेता हूं फॉर एग्जाम्पल दिस प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है हमारे एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड दिस इज प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू लेट से हमें इस पर्टिकुलर ईयर की कुछ सैलरी थी इस पर्टिकुलर ईयर की कुछ सैलरी थी किसी भी मंथ की और वो यहां पर हमें मिल गई दैट वी कॉल्ड एडवांस सैलरी हम उसको एडवांस सैलरी बोल देते हैं बिकॉज वी हैव रिसीव्ड इट इन एडवांस हमें वो एडवांस में सैलरी मिल जाती है इस ईयर में सो so विल we'll टैक्स दिस अमाउंट हम बोलते हैं कि रिसीव हो गया तो हम इसको इसी ईयर में टैक्सेबल कर देंगे अंडर द हेड सैलरी अब प्लीज बताइए एडवांस सैलरी हमें मिल चुकी है इट इज ऑल्सो टैक्सड इसको हमने टैक्स भी कर लिया क्या अब वो ट्वेंटी वन में ड्यू होगी हाँ ड्यू तो होगी क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती थी ड्यू तो होगी पर रिसीव नहीं होगी क्योंकि पहले से रिसीव हो चुकी थी आपको आपने एक महीने की सैलरी दो महीने की सैलरी एडवांस में ली हुई थी बस एक छोटा सा क्वेश्चन है क्या उस, आप उस अमाउंट को दोबारा टैक्सेबल करोगे क्या उस अमाउंट को ऑलरेडी जो टैक्स हो चुका था क्या आप उसको दोबारा से टैक्सेबल करते हैं द आंसर नो एक बार वो हमारी रिसीव बेसिस पर टैक्सेबल हो गई हम उसको अब दोबारा से टैक्सेबल नहीं करेंगे हम एक ही अमाउंट के ऊपर दो दो बार टैक्स नहीं लगा सकते ठीक है सिंपल लॉजिकल बातें हैं बिल्कुल ओके सो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर जैसी एडवांस रिसीव होता है हम इसको टैक्सेबल कर देंगे और फिर बाद में दोबारा से टैक्सेबल नहीं करेंगे सेकेंड थिंग अगर आपको कोई एरियर रिसीव होता है जो पहले कभी टैक्स हुआ नहीं था अब आपको एरियर मिल गया एरियर क्या मिलता है जनरली पुराने पैसे अगर आपको मिल जाते हैं जो पुराने ईयर्स को रिलेट करते थे बट वो पहले कभी टैक्सेबल नहीं हुए थे इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं मैं लेट्स से प्रीवियस ईयर 2021 चल रहा है ठीक है और लास्ट ईयर था प्रीवियस ईयर लेट्स से 1920 या फिर प्रीवियस ईयर 1819 था तो फॉर एग्जांपल यहां का कोई अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है इस ईयर में जो पुराने ईयर को रिलेट करता था जनरली कब होता है जैसे कि एग्जांपल के तौर पर डीएनएस अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय को हमने यहां पर बोला प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में कि हम आपको पहले डी ए देते थे दस हज़ार अब हम आपको डी ए इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है वी आर इंक्रीजिंग योर डी एन एस अलाउंस टू ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज हम आपका डी ए बढ़ा रहे हैं तो दो हजार रुपये से आपका विद रुपीज टू थाउजेंड या डी ए हैज बिन इंक्रीज और इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं पिछले दो साल से ठीक है लास्ट दो जो दो ईयर का डीए था लास्ट टू ईयर्स का वो आपको टेन थाउजेंड पर मंथ मिला था हम उसको ट्वेल्थ थाउजेंड कर रहे हैं यानी कि आपको जो 2000, 2000 के हिसाब से हम आपको एरियर दे देते हैं इस साल तो यू आर गेटिंग इट यू आर रिसीविंग एन एरियर एरियर आपको मिल रहा है जो पहले के दो साल को बिलोंग करता था पहले इन दोनों ईयर्स को बिलोंग करता था बट पहले कभी टैक्सेबल नहीं हुआ था बिकॉज कितना टैक्सेबल करते थे आप डीए सिर्फ टेन थाउजेंड ठीक है सिर्फ टेन थाउजेंड ही टैक्सेबल करते थे बट जो दो हजार एक्स्ट्रा मिल रहा है पर मंथ का ठीक है तो ट्वेंटी फोर मंथ का आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है टू थाउजेंड इन ट्वेंटी फोर मंथस का फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज़ जो आपको एरियर मिल रहा है सो दिस विल बी ऑल्सो टेक्सड इन दिस ईयर वो भी हम इस ईयर ही टैक्सीबल करेंगे जब वो रिसीव हुआ क्योंकि कभी वो पहले टैक्सीबल हुआ नहीं था तो एरियर्स जब भी मिलता है तब भी हम इसको टैक्सीबल कर देते हैं प्रोवाइडेड क्या आपने इसको पहले कभी इस अमाउंट के ऊपर टैक्स दिया है द आंसर इज नो इन केस अगर नहीं दिया होगा क्योंकि ये तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया है तो व्हेन दिस एरियर इज रिसीव हम इसको टैक्सेबल कर देंगे ठीक है सबको समझ में आती है बातें सो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए ड्यू और रिसीव एवर इज अर्लियर एडवांस रिसीव होगा तो भी टैक्सेबल कर देंगे या फिर एरियर रिसीव होगा अगर वो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ तो भी टैक्सेबल हो जाएगा ठीक है चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं सैलरी में हम मेनली क्या क्या पढ़ते हैं अगर हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं सैलरी की तो सैलरी में हम पढ़ते हैं अलाउंसेस और पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ये तीन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन तीनों चीज़ों में से चीज़ें पूछी जाती हैं तो अलाउंसेज ठीक है दो तरह के अलाउंसेज होते हैं ऑफिशियल अलाउंसेज तो हमारे ऑफिस पर्पस के लिए मिलते हैं उसमें हमारा तो कोई फ़ायदा होता नहीं तो दैट इज़ दैट इज़ नॉट टेक्सीबल बट जो पर्सनल अलाउंसेज होते हैं जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो जाता है या कैश अलाउंस होता है लंच अलाउंस मेडिकल अलाउंस ये सब अलाउंसेस टेक्सेबल होते हैं परक्ूजट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्क्यूज जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं इसके बारे में हम बातें करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक ग्रैचुटी पेंशन लीव सैलरी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इस तरह की बातें रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बातें मतलब मैं ब्रॉड एरिया बता रहा हूँ कि हम सैलरी में क्या क्या डिस्कस करते हैं और लास्ट आता है प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी एक छोटा सा टॉपिक है कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से क्योंकि आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी क्या क्या आता है प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी में वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर ओके सबसे पहले अलाउंसेस के बारे में बातें करते हैं

लेट्स uh, ऑडिट पर भेज देती है ठीक है आपकी आर वर्किंग विद एन ऑडिट फर्म और वो आपकी फर्म आपको पंद्रह uh, बीस दिन के लिए ऑडिट पर भेज देती है आउट स्टेशन लेट से यू आर ट्रेवलिंग टू बेंगलौर ठीक है यू आर ट्रेवलिंग ट्रैवलिंग टू बेंगलौर तो आपको जाने के लिए वहाँ पर जो पैसे देगी कंपनी इज इट योर इनकम या दिस इज़ फॉर ऑफिशियल पर्पज दिस फॉर ऑफिशियल पर्पज तो हम ट्रैवलिंग अलाउंस डेली अलाउंस वहां पर जहां पर रहने के लिए हमें कुछ पंद्रह बीस दिन हम वहां पर रहेंगे हमारा खर्चा होगा सो एवरी अलाउंस विच गिव इज दैट फॉर ऑफिशियल पर्पज तो दैट इज इज दैट योर इनकम द आंसर इज नो दिस इज नॉट माई इनकम अगर इनकम टैक्स ऑफिसर आपको बोलेगा आपको पैसे मिले हैं आप इस पर टैक्स दीजिए आप बोलेंगे बॉस मुझे जो पैसे मिले हैं तो ये मुझे अपने लिए नहीं मिले हैं वो तो कंपनी ने अपने काम से भेजा था बाहर इसलिए मुझे पैसे दिए गए थे और ये मैंने एक्सपेंस भी कर दिया इसका मैंने कोई सेविंग भी नहीं करी ऑफिशियल अलाउंसेस कैसे होते हैं नॉन टैक्सेबल हाँ बट अगर आप इसमें से कुछ सेव कर लेते हैं अगर आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये मैंने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मिले हैं और आपने सारा पैसा खुद ही यूज़ कर लिया या खुद ही अपने पास रख लिया तो सेविंग्स आर टैक्सेबल ठीक है तो ऑफिशियल अलाउंसेस जनरली एग्जम्प्ट होते हैं सेविंग्स अगर इसमें कुछ सेव हो जाते तो से है तो सेविंग्स आर टैक्सेबल ठीक है एग्जाम्पल क्या है का ट्रैवलिंग अलाउंस ठीक है ट्रैवलिंग अलाउंस अलाउंस डेली रिसर्च या यूनिफॉर्म अलाउंस एट्सरा तो ये आपके रिसर्च करने के लिए आप बिजनेस के लिए अपने ऑफिस पर्पज के लिए रिसर्च कर रहे हैं एकेडमिक अलाउंस मिल गया आपको है या फिर यूनिफॉर्म अलाउंस मिला है कि आप जब ऑफिस आए तो इस पर्टिकुलर ड्रेस कोड में जनरली फैक्ट्रीज में ऐसा होता है वर्कर्स को यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है तो दैट इज फॉर ऑफिशियल पर्पज तो दीज आर एग्जाम अलाउंसेजलेस देयर इज सेविंग अगर कुछ सेविंग होती है तो दैट इज टेक्सिबल सो यू कैन राइट इट हेयर होती है ठीक है पर्सनल अलाउंसेस पर्सनल अलाउंसेस तो टैक्सेबल होंगे वो तो हम आपके इंप्लॉई आपके बेनिफिट के लिए दे रहे हैं तो पर्सनल अलाउंसेस वी आर गोइंग टू टैक्स तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेंगे बॉस ये तो आपके पर्सनल बेनिफिट के लिए मिल रहे हैं अलाउंसेस सो दीज आर टेक्सीबल लाइक कैश अलाउंस लंच अलाउंस मेडिकल मतलब आप जिसको जिस पैसे को आप घर पर ले जा सकते हैं अपने तो दैट इज कॉल पर्सनल अलाउंस ओवर टाइम अलाउंस सर मैंने कंपनी में ज्यादा काम किया तो ठीक है भाई आपने ज्यादा काम किया तो आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो जो भी ज्यादा सैलरी मिल रही है आपको जो भी ज्यादा ओवर टाइम मिल रहा है दैट इज फॉर योर योर बेनिफिट कि आप ये पैसे घर पर ले जा सकते हैं तो दैट इज योर टेक्सीबल अलाउंस पर्सनल लाउंस की कैटेगरी में आते हैं ये बट हाँ कुछ पर्सनल लाउन्स एग्जाम होते हैं तो मैंने यहाँ पर मेन पर्सनल लाउंसेज डिस्कस किए हैं जो एग्जाम्ट होते हैं जो एग्जामिनेशन पर्पज के लिए मेन है हाउस रैंड अलाउंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ठीक है कुछ दो तीन और हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैंने कवर नहीं करें लाइक अंडरग्राउंड अलाउंस ठीक है अनकन्जीनियल एटमासफेयर हिल एरिया अलाउंस टाइप दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट इसको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाउस रेंट अलाउंस ठीक है इन केस अगर हाउस रेंट अलाउंस मिलता है इंप्लॉय को तो दैट बिकम्स टैक्सेबल बट उसमें से हम कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट कर सकते हैं वो कौन-कौन से अमाउंट हम एग्जम्प्ट कर सकते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग तो हाउस रेंट अलाउंस में से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जम्प्ट क्या-क्या देखते हैं हम लोग एक्चुअल एचआरए कितना मिला आपको सेकंड कितना आप रेंट पे करते हैं माइनस टेन परसेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी आर बी एस आर बी एस कहते हैं मेनली क्योंकि सैलरी में क्या क्या चीज़ें लेते हैं बेसिक सैलरी डी एन एस अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर यहाँ पर जब आप शायद हो सकता है कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे रेगुलर क्लासेज नहीं की होंगी तो uh, हो सकता है कि आपने ऐसा भी पढ़ाओ टेन परसेंट ऑफ सैलरी और फिर सैलरी का मतलब क्या होता है सैलरी का मतलब यही होता है यही आपने पढ़ा होगा बट मैं इसको आ, थोड़ा याद करने के लिए हम लोग इसको आर सैलरी बोल देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी क्योंकि ये वाली पर्टिकुलर डेफिनेशन सैलरी की ना बहुत जगह पर यूज़ होती है तो इसलिए हम इसको आर बी सैलरी बोल देते हैं जहाँ पर भी आर बी एस सैलरी बढ़ा जाए हम हमें लोगों को पता होता है कि वो तीन कंपोनेंट्स आते हैं वहाँ पर बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर ओके कमिंग बैक एच जब मिलता है तो उसमें से तीन चीजें आप देखेंगे और उसमें से जो भी लीस्ट होगा जो भी लीस्ट होगा दैट विल बी एग्जेप एक्चुअल एच आर ए रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ सैलरी या टेन परसेंट ऑफ आरबीएस सैलरी और फोर्टी परसेंट ऑफ आरबीएस सैलरी या फिफ्टी परसेंट अगर दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई में आप रेंट पे कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट लेना है आई एम अगेन रिपीटिंग डेली मुंबई कोलकाता चेन्नई एनी ऑफ दिस आई एम सीइंग डेली आई एम नॉट सेंग गुड़गाम नॉट सेंग फरीदाबाद आई एम नॉट सिइंग एन सी आर डेली मीन्स डेली मुंबई मीन्स मुंबई ठीक है तो इसके आस पास के शहर नहीं सिर्फ डेली डेली मुंबई कोलकाता चेन्नई यहाँ पर अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट लेना है अगर कहीं और अपार्ट फ्रॉम दीज फोर सिटीज़ अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो फोर्टी परसेंट ऑफ आर बी एस सैलरी लेना है ठीक है और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको जितने पीरियड का एच आर ए मिला है आपको उतने पीरियड की ही सैलरी कंसिडर करनी है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एच आर ए मिला है लेट सेवन मंथ्स के लिए तो आप ऐसा नहीं कि आप पूरे बारह महीने की सैलरी की कैलकुलेशन कर रहे हैं यहां पर तो जब आप एच आर ए देखिए आप देख बहुत लॉजिकल बातें हैं ये ये इनफैक्ट हर अलाउंसेस में या हर परक्यूजिट के लिए भी काम आ सकती हैं ऐसी बातें कि आपको वो पर्टिकुलर अलाउंस या पर्टिकुलर फैसिलिटी जितने पीरियड के लिए मिलती है तो जब आप उसकी एग्जामेशन देंगे तो एग्जामेशन देने में जो आप कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो भी आप उसी पीरियड के ही कीजिएगा ऐसा नहीं कि आपको एच आर मंथ्स का मिला और आप यहाँ पर सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं फॉर दिस कैलकुलेशन पूरे बारह महीने की या दस महीने की नो सेवन मंथ्स का मिला तो उसी सेवन मंथ्स की और ये भी इंपॉर्टेंट है अब देखो एक चीज़ तो ये है कि अगर सेवन मंथ्स का एच मिला तो सेवन मंथ्स की सैलरी लेनी है और वो भी उसी पर्टिकुलर मंथ्स की लेनी है ऐसा नहीं कि एनी सेवन मंथ्स सर शुरू के सेवन ले लें ले क्या बाद के ले, ले अरे ये देखिए कि आपको एच कौन से मंथ का मिला है आप उसी मंथ की सैलरी लेनी है आपको ठीक है यहां पर स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं याद रहेगा वंस अगेन रिपीटिंग एच में से आपको तीन कंपोनेंट्स देखने हैं तीनों में से जो भी लीस्ट हो दैट विल बी एग्जाम ठीक है जितना भी एच आर ए मिला था उसमें से लीस ऑफ द फॉलोइंग माइनस कर दीजिएगा कौन कौन सा है ये एक्चुअल एच आर ए जितना एक्चुअल एच आर ए रिसीव हुआ सेकेंड रेंट पेड माइनस टेन परसेंट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी या फिर फोर्टी और फिफ्टी परसेंट ऑफ द सैलरी एज द केस मे बी और सैलरी में क्या क्या लेना है यहां पर फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ एच आर ए बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन एजुकेशन लोन्स आई बिलीव सबको याद होगा मैक्सिमम दो बच्चों के लिए एग्जाम हो सकता है वो भी हंड्रेड रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड पर मंथ पर चाइल्ड सौ रुपए आपको एग्जेम करने हैं मैक्सिमम टू चिल्ड्रन हॉस्टल लोन सिमिलरली सेम चलता है मैक्सिमम फॉर टू चिल्ड्रन बट अमाउंट है कितना थ्री हंड्रेड पर मंथ पर चाइल्ड पर मंथ पर चाइल्ड ठीक है ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज अगेन इंपॉर्टेंट बट ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ और सिर्फ एग्जम्ड हो सकता है जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं ब्लाइंड हैं डेफ हैं डम्प हैं उन लोगों के लिए पहले कोई एक सिक्सटीन हंड्रेड की लिमिट होती थी अब वो नहीं होती है ठीक है अगर किसी स्टूडेंट ने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे या पहले कभी किया होगा तो सिक्सटीन हंड्रेड की लिमिट होती थी वो नहीं है अब सबके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस टेक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता क्या था ठीक है होम टू ऑफिस होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू बैक वापस घर से ऑफिस आने के लिए पैसा दिया जाता है ऑफिस से वापस घर आने के लिए जो पैसा दिया जाता है दैट वी ट्रांसपोर्ट अलाउंस सो दैट इज नाट टेक्सीबल बट ओनली इन केस ऑफ ब्लाइंड डेफ डॉम्प या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इन लोगों के लिए एक्सैम्प्ट होता है थर्टी टू हंड्रेड पर मंथ ठीक है अपटू थर्टी टू हंड्रेड पर मंथ जो तो पहले लिमिट थी इन लोगों के लिए थर्टी टू हंड्रेड वही लिमिट है ठीक है सिक्सटीन हंड्रेड की अब कोई लिमिट नहीं है ओके सेक्शन सिक्सटीन ठीक है मुझे अभी अलाउंसेस के बाद परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी अभी डिस्कस करने हैं बट अभी मैं फिलहाल के लिए सेक्शन सिक्सटीन पर आ जाता हूँ बिकॉज परक्यूजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए मैंने सेपरेट पेज so we'll पर चार्ट बनाए हुए हैं ठीक है सो विल डिस्कस यहाँ पर परक्यूजिट्स हैं और फिर यहाँ पर लास्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी तो बहुत छोटा सा टॉपिक है वो यहाँ पर ही डिस्कस है ठीक है ओके सेक्शन सिक्सटीन डिडक्शंस अंडर सैलरी तीन तरह की डिडक्शंस होती हैं फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सभी इंप्लॉय को मिल जाती है डिडक्शन डिडक्शन दिस इज फ्रॉम ग्रॉस सैलरी पहले सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं हमें जितना भी इंप्लॉयर की तरफ से मिलता है बेसिक सैलरी डी ए अदर लिस्ट बनाते हैं जो भी टेक्सीबल अमाउंट होता है फिर भी कॉल ये सारी चीजें मिली सबको हम क्या बोलते हैं ग्रॉस सैलरी तो अब ग्रॉस सैलरी में से फिर डिडक्शन्स देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सेक्शन 16 की डिडक्शन तीन तरह की डिडक्शन हो सकती हैं ठीक है फर्स्ट तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो होती ही होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन मैक्सिमम कितना जितना ग्रॉस सैलरी है या फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ विच इज विच एवर इज लोअर मतलब मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ की डिडक्शन मिलती है यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ज़्यादातर पचास हज़ार की मिल जाती है क्या एग्जैक्ट पचास हज़ार है नो अगर ग्रॉस सैलरी आपकी कम है तो फिर तो उतनी डिडक्शन मिलती है बट मैक्सिमम है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ ठीक तो है gross salary 50, 000, मतलब reduction है तो वी अंडरस्टैंड ग्रॉस सैलरी या एवर इज लोअर मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस की रिडक्शन मिलती बट दिस इज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है अगर इनको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक इट टेक्सेबल सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को हम ग्रॉस सैलरी का पार्ट बना देते हैं फिर बाद में उसकी रिडक्शन भी मिलती है फ्रॉम ग्रॉस सैलरी ठीक है तो इनकेस आपको क्वेश्चन आता है कि देर इज एन एम्प्लॉई वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है लेट से उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है फोर थाउजेंड पर मंथ का सबसे पहले आप क्या करेंगे जब आप बेसिक सैलरी डी ए वगैरह सब कुछ लिखेंगे तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को भी टैक्सेबल कीजिएगा एंटरटेनमेंट ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही डिडक्शन दे दीजिएगा या बोल दीजिएगा कि नहीं सर इनके लिए तो एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्जेम्ट होता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सबसे पहले आप एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऊपर पूरा टैक्सीबल करिएगा ठीक है जैसे आप बेसिक सैलरी लिखते हैं डी लिखते हैं ऐसे ही एंटरटेनमेंट अलाउंस भी टैक्सीबल खींचेगा वंस यू कम टू योर ग्रॉस सैलरी ठीक है जब भी आपको चीजें मिली जो भी टैक्सीबल अमाउंट हुआ जब आप ग्रॉस सैलरी पर आते हैं फिर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दीजिएगा फिर आप एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन अब दीजिएगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक इट टेक्सेबल देन आफ्टर वर्ड्स वाइल कंप्यूटिंग योर सैलरी तो ग्रॉस सैलरी के बाद आने के बाद आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दे दीजिएगा कितनी मिलती है वो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड ट्वेंटी परसेंट ऑफ बेसिक्स वन फिफ्थ बोले ट्वेंटी परसेंट बोले दिस इज वन सेम थिंग एंड थर्ड इज रुपीज फाइव थाउजेंड ठीक है फाइव थाउजेंड फिक्स है पर मंथ नहीं है पर एनम नहीं है फिक्सड है फाइव थाउजेंड रुपीज मतलब पांच हजार से ज्यादा की डिडक्शन तो कभी मिल ही नहीं सकती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आप एक्जेंट कर देंगे ठीक है इसकी डिडक्शन मिल जाएगी और तीसरा इज टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन प्रोफेशनल टैक्स बोले या फिर, बोले। है? या फिर एक ही बात है, तो जितना भी पे हुआ है उसको आप अलाउ करेंगे जितना भी पे हुआ है कैश बेसिस पर अलाउड करेंगे यानी कि टू जैसे कि मैं अपने एग्जाम्स के लिए बातें कर लेता हूं, 2021 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं जो पैसे पे हुए हैं अप टू फर्स्ट मार्च ट्वेंटी उसको आप टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट में से टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट डिडक्शन ले सकते हैं इफ एनी अमाउंट इज पेड आफ्टर दिस डेट इस डेट के बाद अगर पे हुआ है प्लीज उसको अलाउ मत कीजिएगा इस साल तो वो नेक्स्ट ईयर अलाउड होगा सो टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इज पेड ऑन इज अलाउड ऑन कैश बेसिस ओनली अच्छा इसमें एक और बात अगर इंप्लॉय ने टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पे किया है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है ठीक है अगर एम्प्लॉयर ने पे किया, है, ने पे किया है, तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी ठीक है तो लेट्स से इंप्लॉय ने पे किया है लेट्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ने पे किया है फिफ्टीन हंड्रेड और एम्प्लॉयर ने पे किया है वन थाउजेंड ठीक है तो टोटल कितना पे हुआ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो जब आप ग्रॉस सैलरी निकालेंगे ठीक है वंस यू कैलकुलेट योर ग्रॉस सैलरी यहाँ पर जब आप डिडक्शन देते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन सिक्सटीन स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट लाउंस डिडक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो और फिर आप टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट की डिडक्शन देते हैं या प्रोफेशनल टैक्स बोल सकते हैं इसको तो आप यहाँ पर पूरा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो भी अमाउंट पे हुआ है इन द प्रीवियस ईयर आप पूरे अमाउंट की डिडक्शन दे देंगे चाहे वो एम्प्लॉय ने पे किया है या एम्प्लॉयर ने पे किया है बोथ बट अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है सो दैट बिकम्स अ फैसिलिटी कि एम्प्लॉयर ने पे किया है तो इसको हम अपनी इनकम का भी पार्ट बनाते हैं तो जब आप ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करेंगे यहां पर लिखते हैं ना बेसिक सैलरी डी वगैरह सब कुछ तो यहाँ पर प्लीज लिखिएगा टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट पेड बाय एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर ने पे किया यानी कि वन थाउजेंड रुपीज आपकी पहले इनकम का भी पार्ट बनेगा वन थाउजेंड इनकम का पार्ट बनेगा और फिर जितना भी पे हुआ है वो डिडक्शन मिल जाएगी आपने पे किया फ़िफ्टीन हंड्रेड और एम्प्लॉयर ने पे किया वन थाउजेंड तो पूरा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड की डिडक्शन दे दीजिएगा और जितना इम्प्लॉयर ने पे किया है क्योंकि वो आपका बेनिफिट भी बन गया परक्यूज भी बन गया आपकी ऑब्लिगेशन इंप्लॉयर ने पे कर दी है ठीक है तो दैट बिकम्स योर इनकम ऑल्सो ठीक है सबको समझ में आता है फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ एम्प्लॉय ने पे किया होता तो बस आप यहाँ पर फिफ्टीन लिखते हैं यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं लिखते ठीक है, बट अगर एम्प्लॉयर ने पे किया तो फर्स्ट इट बिकम्स योर इनकम एंड देन यू कैन अवेल डिडक्शन ठीक है? आई बिलीव आपको याद आ गया होगा बातें, okay. so छोटा सा टॉपिक है फॉर गो ऑफ सैलरी फॉर गो ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी और आपने कहा एक काम कीजिए सर एम्प्लॉयर को आपने बोला कि मुझे मत दीजिए आप इस एनजीओ को ये पैसे डोनेट कर दीजिए या मैं जिसको मैं बोल रहा हूं आप उसको ये पैसे दे दीजिए दैट इज मीन्स यू आर डाइवर्टिंग योर सैलरी टू एल्स सो इज अगर आप किसी और को डाइवर्ट कर देते हैं तो क्या लगेगा स्टूडेंट्स को सर मुझे तो सैलरी मिली नहीं मैंने तो किसी एनजीओ को बोल दिया देने के लिए ठीक है फ्लिप से मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय मिस्टर ए एक एम्प्लॉय हैं एंड ही इज वर्किंग विद नेस्ले लिमिटेड ठीक है नेस्ले लिमिटेड इज एन एम्प्लॉयर ये एम्प्लॉयर है और मिस्टर ए को सैलरी मिलनी थी लेट से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ ठीक है नेस्ले पे करेगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ की सैलरी लेट से मिस्टर ए नेस्ले को बोल देते हैं कि आप ये पचास पचास मुझे मत दीजिए ठीक है मिस्टर ए कहते हैं कि आप ना एक एन को दे दीजिए या कोई मेरा रिलेटिव है उसको दे दीजिए मतलब किसी और को थर्ड पर्सन को दे दीजिए किसी किसी भी थर्ड पर्सन को दे दीजिए सैल सैलरी मुझे मत दीजिए आप तो हमें क्या लगेगा अरे मिस्टर ए की इनकम ही नहीं हुई बिकॉज इसको तो पैसे ही नहीं मिले बट एक्चुअली इनकी मिस्टर ए की डायरेक्शन पर नेस्ले फिर इनको पैसे दे देता है दैट इज दैट वी कॉल्ड फॉरगो ऑफ सैलरी मिस्टर ए ने अपनी सैलरी फॉरगो कर दी तो इन क्या हम मिस्टर ए की सैलरी इनकम नहीं बनाएंगे बनाएंगे वो तो मिस्टर ए के डायरेक्शंस पर पैसे जा रहे हैं ना ठीक है इंप्लॉयर क्या बोलेगा मैं तो सैलरी मुझे तो सैलरी देनी है मिस्टर ए को दूँ जब तो अगर ए बोलता है कि, कि किसी और के अकाउंट में डालिए पैसे तो मैं उसके अकाउंट में डाल दूंगा बट अगेन दिस इनकम विल बिकम द इनकम ऑफ इम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी यानी कि अगर आप सैलरी को फॉरगो भी करते हैं सो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस वो आपकी इनकम बनती है सेकेंड इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ सैलरी सरेंडर का मतलब क्या होता है मिस्टर ये बोलते हैं कि मुझे सैलरी चाहिए ही नहीं सर आई डोंट वॉन्ट सैलरी मैं तो फ्री में काम करूंगा यहां पर ठीक है नेस्ले बोलता है कि किसी और को पैसे देने हैं क्या मिस्टर ये बोलते हैं नहीं नहीं सर मुझे नहीं मतलब है मुझे तो मैं तो फ्री में काम कर रहा हूं आई एम सरेंडरिंग माई सैलरी तो इनकेस इफ सैलरी सो दैट विल नॉट बी टैक्स ठीक है उसको हम टेक्स नहीं लगाते फिर ठीक है बहुत थ्योरटिकल कंसेप्ट है ये Uh, मैं हमें तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज टेक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय हम उसको टेक्सेबल करते हैं बट इफ इट इज सरेंडर ऑफ सैलरी तो इट इज नॉट टेक्सेबल सरेंडर टेक्सेबल नहीं होता है ठीक है ठीक है सो ऑन दिस पेज द लास्ट पॉइंट इज प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी बट मैं इसको पहले परक्यूज डिस्कस करूंगा आपके साथ देन आई एल डिस्कस रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसके बाद हम प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज परक्यूज और परक्यूज में भी रेंट फ्री अकोमोडेशन तो एग्जामिनर का फेवरेट रहता है लेट्स ए रेंट फ्री अकोमोडेशन को हम किस तरीके से वैल्यू करते हैं सो वी नो डिपेंड करता है कि वेदर द इम्प्लॉय इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इन केस द इम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उस केस में तो बहुत ईजी रहता है जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी लाइसेंस फीस दैट विल बिकम द वैल्यू तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो जनरली आर एफ ए निकालने के लिए नहीं आता एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सो द लाइसेंस फीस डिटरमाइंड नॉन इज अ नॉन गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग विद एनी सेंट्रल बट ही इज वर्किंग विद विप्रो इज वर्किंग विद इन्फोसिस एटसेट्रा तो में हम कैसे करते हैं तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पहले पता करते हैं कि जो आपको घर मिला है रहने के लिए ठीक है द हैज प्रोवाइडेड टू यू योर एम्प्लॉयर क्या वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है या हायर्ड है ठीक है वेदर द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एग्री है या वेदर द हाउस हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर बिकॉज दोनों के लिए डिफरेंट अप्रोच है हम लोगों के लिए वैल्यूएशन ऑफ परक्यूज निकालने के लिए तो इनकेस द पर्सन द एम्प्लॉय इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसको जो घर मिला हुआ है दैट इज ओन्ड बाई द एम्प्लॉयर द परक्यूज वैल्यू वुड भी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट टेन परसेंट या फिफ्टीन परसेंट ठीक है डिपेंड करता है पॉपुलेशन कितनी है उस पर्टिकुलर एरिया की सो इफ द पॉपुलेशन इज अप टू टेन लाख देन सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लेते हैं पॉपुलेशन टेन लाख से ज्यादा है ट्वेंटी फाइव लाख तक तो टेन परसेंट ऑफ आर एफ ए सैलरी 25 लाख ,00 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन तो 15% परसेंट ऑफ आर एफ ए सैलरी है आर एफ ए सैलरी मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन सैलरी सैलरी में क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट लेने हैं बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट ऑल टेक्सीबल अलाउंसेज पर नहीं लेते बोनस कमीशन वगैरह सब कुछ ले लेते हैं पर नहीं लेते आर एफ ए सैलरी में मैंने यहाँ पर दिया भी है आर एफ ए सैलरी का मतलब क्या होता है बेसिक सैलरी डी ए फॉमिंग पार्ट ऑल टेक्सीबल अलाउंसेज बोनस कमीशन एटसेट्रा जितनी भी चीजें आपको कैश में मिलती हैं सब कुछ ले लेते हैं बट परक्यूजिट्स नहीं लेते ठीक है वेदर दे आर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट्स नहीं लेना है हम लोगों को ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योर आर एफ एस सैलरी और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली आप वैल्यूएशन अपनी कीजिएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन की इनकेस द असेसी इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द हाउस टू हेम जो उसको घर मिला हुआ है वो एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है बट एम्प्लॉयर ने कहीं से किराए पर लेकर आपको दिया है ठीक है हाउस इज हायर्ड बायर ओन्ड होगा तो पॉपुलेशन बेस्ड है हायर्ड होगा फिर हमें वैल्यू ऑफ पर कितना देखना है एक्चुअल हायर चार्जेस कितना रेंट पे करता है एम्प्लॉयर उस चीज का सॉरी <coughs> एक्चुअल हायर चार्जेस और फिफ्टीन परसेंट ऑफ आर एफ ए सैलरी विच एवरज लोअर आर एफ ए सैलरी में वही डेफिनेशन रहेगी बेसिक सैलरी आर एफ ए सैलरी याद कीजिए बेसिक सैलरी देखिए मत बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट डी ए देखिए अलाउंसेस सारे लेने हैं जितने भी टेक्सीबल पोर्शन है अलाउंसेज का डी ए सिर्फ इतना लेना है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है सिक्सटी परसेंट फॉर्मिंग पार्ट सेवेंटी परसेंट फार्मिंग पार्ट जितना भी फॉर्मिंग पार्ट है प्लीज उसको लीजिएगा ऑल टेक्सिवल अलाउंसेज बोनस कमीशन कैसी भी हो इट इज बेस्ड ऑन टर्न ओवर या किसी भी चीज के ऊपर बेस्ड हो कमीशन फिक्सड हो परसेंटेज में फिक्सड हो अमाउंट में इट डजेंट मैटर पूरा लेना है उसको बट पर इट्स कैलकुलेट नहीं करने हैं और एक इंपॉर्टेंट बात जितने पीरियड के लिए घर

इम्प्लॉयर ओन्ड है तो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस केस द हाउस इज हायर्ड बाय द इम्प्लॉयर तो फिफ्टीन परसेंट ऑफ आर एफ इज लोअर ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं आर के लिए अगर कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन है तो जितना भी अमाउंट रिकवर किया जाता है इंप्लॉय से दैट विल बी डिडक्टेड तो एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इम्प्लॉय शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस वैल्यू जो भी परक्विजिट की वैल्यू आई है आपकी डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस उसमें से जितना भी अमाउंट इंप्लॉय से रिकवर किया जा रहा है प्लीज उसको लेस कर लीजिएगा अगर घर के साथ साथ फर्निश्ड अकोमोडेशन है फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है तो फर्नीचर की वैल्यू भी ऐड करनी होगी डिपेंड करता है वो फर्नीचर जो इंप्लॉयर ने प्रोवाइड किया गया है वेदर इट इज ओन्ड या फिर हायर्ड अगर ओन्ड है तो टेन परसेंट पर एन एम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट दो चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा टेन परसेंट पर एन एम पर एन एम मतलब फर्नीचर अगर एट मंथ्स के लिए दिया है तो टेन परसेंट पर एनम है ये तो टेन परसेंट कैसे खींचेगा इंटू एट बाय ट्वेल्व ठीक है जितने भी मंथ के लिए दिया गया है फर्नीचर उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग लेंगे बिकॉज टेन परसेंट इज फॉर ट्वेल्व मंथ्स ठीक है पर एनम ऑन एक्चुअल कॉस्ट यहां पर एग्जामिनर आपको कन्फ्यूज करेगा वो शायद आपको रिटर्न डाउन वैल्यू दे दे या फिर कोई और वैल्यू दे दे बट आपको टेन परसेंट किसका लेना है ओरिजिनल कॉस्ट का ओरिजिनल वैल्यू का एक्चुअल कॉस्ट का इन केस ये फर्नीचर जो हमें प्रोवाइड किया गया है दिस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर ओन्ड नहीं है एम्प्लॉयर का बट दिस इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर तो उस केस में एक्चुअल हायर चार्जेस लेने हैं ठीक है एज द केस में भी क्लियर हो गया इतनी बातें अगेन अगर अकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड की गई आपको एक घर नहीं दिया रहने के लिए बट होटल दे दिया ठीक है होटल में एक दो रूम्स बुक करा दिए और कहा एम्प्लॉय आप यहां पर रहिए अब होटल होटल में तो काफी फैसिलिटीज मिलती है फर्निश्ड होता है होटल ठीक है कुछ भी चीज़ यू कैन डिमांड इट ओवर अ कॉल ठीक है फ़ोन करें आपको भूख लग रही है खाना मंगवा लीजिए अपने लिए लंच या डिनर, ठीक है चाय पीनी है तो आप फ़ोन करके चाय मंगा लीजिएगा ठीक है आपका कमरा गंदा हो गया तो यू कैन कॉल द हाउस कीपिंग एंड गेट योर हाउस क्लीन गेट योर रूम क्लीन तो उस केस में यहाँ पर आपको ज़्यादा परक्यूजिट मिल रहा है तो वैल्यू भी ज़्यादा होगी ठीक है नॉर्मली हम कितना लेते थे 15 परसेंट बट होटल एकोमोडेशन के केस में 24 फोर परसेंट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न 24 परसेंट और ऑफ आरएफए सैलरी ठीक है जितना भी आरएफए सैलरी है उसका ट्वेंटी या फिर एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लोअर ठीक है जनरली ट्वेंटी ऑफ आर सैलरी आएगा चाहे इनकेस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है ना ठीक है तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम लोग लाइसेंस फीस लेते हैं अगर घर प्रोवाइड किया गया तो लाइसेंस फीस लेंगे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी होटल प्रोवाइड करा दिया गया तो आप फिर 24 परसेंट ऑफ आर एफ सैलरी या एक्चुअल होटल चार्जेस ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट बात है ये पूछ सकता है आपका एग्जामिनर जब किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी तो उस केस में एम्प्लॉयर बोलता है कि आपको हम दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप अपने लिए घर ढूंढ लीजिएगा आप अपने लिए खुद घर ढूंढ लीजिएगा एम्प्लॉयर बोल देता है एम्प्लॉय को ठीक है हाँ बट आप हम आपको दस दिन पंद्रह दिन के लिए स्टे दे देते हैं अपने गेस्ट हाउस में अपने होटल वगैरह में ठीक है आपके लिए होटल बुक करा देते हैं फिफ्टीन डेज के लिए उसके बाद उसके अंदर अंदर आप अपना घर ढूंढ लीजिएगा तो इन केस द एम्प्लॉय इज ट्रांसफर टू टू सम अदर सिटी और एम्प्लॉयर अगर आपको उस पीरियड का दस बारह पंद्रह दिन तक अगर होटल प्रोवाइड की कराए तो दैट इज टैक्स फ्री उसको फिर हम टैक्सेबल नहीं करते हैं ठीक है तो फिफ्टीन डेज का स्टे एग्जाम रहता है फिफ्टीन डेज से अगर ज्यादा का दे दिया स्टे तो दैट बिकम्स फुली टैक्सेबल लेट से सिक्सटीन डेज का स्टे दे दिया तो सिक्सटीन डेज फिर फुल फुली टैक्सेबल हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि इन एक्सेस ऑफ फिफ्टीन नो फिर सिक्सटीन डेज पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे ठीक है इंपॉर्टेंट बात है हाई कोर्ट जजेस या सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन एक्सेंट रहता है क्लियर है सो दिस इंपॉर्टेंट परक्यूज रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट एक ही बात है कंसेशनल रेंट कैसे निकालते हैं पहले आर एफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए जितना भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है एम्प्लॉय से उसको माइनस कर दीजिएगादर परक्यूजेट इज मोटर कार पर कार अगर प्रोवाइड की गई है तो इस केस में भी ये परय्यूज बनता है तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं ये कार किसकी है ठीक है इंप्लॉयर ने आपको प्रोवाइड कराई है या इम्प्लॉय आपकी खुद की है तो देयर कुड बी टू केसेस वेदर द कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर कार इंप्लॉयर कैसे प्रोवाइड करा करा सकता है एम्प्लॉयर की खुद की कार हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल यूर वर्किंग विद द कंपनी लेट्स ए टाटा मोटर्स लिमिटेड ठीक है आप टाटा मोटर्स में काम कर रहे हैं यू आर अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव यू आर वर्किंग ओवर देयर तो टाटा मोटर्स की खुद की अपनी कार है वो आपको कार प्रोवाइड करा देते हैं या फिर वो आपको कहीं से अरेंज करके दे देते हैं अरेंज करने का मतलब है कि आपका एम्प्लॉयर कहीं से आपको इसको रेंट पर लेगा और आपको दे देगा सो दैट वी कॉल कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर कुल मिलाकर कार इंप्लॉय की नहीं है ठीक है और इनके कार अगर इंप्लॉय की है तो फिर परक्यूजेट थोड़ा सा अलग तरीके से निकलता है सो फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन की वेदर द कार इज प्रोवाइडेड बाय द इंप्लॉयर और कार इज ओन बाय द एम्प्लॉय एक इंपॉर्टेंट बात इन केस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि कार किसकी है तो हमेशा मानिए कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ठीक है तो अगर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय है तो स्पेसिफिकली वो आपको देगा क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन में बोलेगा कार इज ओन्ड बाय द एंप्लॉय अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर डन ठीक है अच्छा एक बात और बताइएगा अगर कार कंपनी ने प्रोवाइड की है और वो हंड्रेड परसेंट ऑफिशियल यूज के लिए यूज होती है कार हंड्रेड परसेंट ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज होती है मतलब आपसे बोला गया कि आप इसमें कोई पर्सनल अपना एक्टिविटीज कोई पर्सनल चीजें के लिए कार यूज नहीं करेंगे आपको ये ऑफिस पर्पज के लिए यूज करनी है तो प्लीज बताइए एम आई गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट द आंसर इज नो इन दैट केस जितना भी हमें आ, वो कार प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो हमारे लिए तो हो नहीं रहा दैट इज फॉर द कंपनी बेनिफिट तो उस केस में हम परक्यूजिड वैल्यू कितनी लेते हैं नल बिकॉज आई एम नॉट डिराइविंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ इट तो ये बात यहाँ पर लिखी है मैंने कार इज प्रोवाइडेड वो फॉर हंड्रेड परसेंट ऑफिशियल पर्पज़ हंड्रेड परसेंट ऑफिशियल पर्पज के लिए है दैट इज नॉट अ परक्यूज परक्यूज वैल्यू वुड बी ज़ीरो ठीक है तो कार कैसे प्रोवाइड की जाती है कार का यूज कैसे होता है इनकेस द कार इज प्रोवाइडेड फॉर पर्सनल यूज कि आप एम्प्लॉय आप इसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज़ कीजिएगा ठीक है आप इसमें अपने फैमिली के साथ घूमिए या अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे दीजिए कार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कीजिए या फिर काफ़ी बार ऐसा होता है कार इज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर वो दोनों तरीके से यूज़ हो सकती है पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल ठीक है आप कुछ उसको पर्सनल भी यूज़ कर लेते हैं वैसे तो ऑफिशियल पर्पस के लिए बट कभी कभी पर्सनल भी यूज़ कर लेते हैं तो इन दैट केस इट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी आई बिलीव सबको समझ में आ रहा है सो आई एम अगेन रिपीटिंग वी आर डिस्कसिंग द ऑन मोटर कार हम मोटर कार के बारे में बातें कर रहे हैं वेदर दिस कार इज प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर और द कार इज ओनड बाय द इम्प्लॉय फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर की खुद की अपनी है या एम्प्लॉयर ने कहीं से आपको अरेंज करा कर दी है रेंट पर ले दी है मेनली और वो अगर 100% पर्सनल यूज के लिए दे दी गई है कि आप इसको पर्सनली यूज कर सकते हैं ऑफिशियल के लिए हम आपको दूसरी गाड़ी दे, दे देंगे ये आपके लिए पर्सनल कार है तो उस केस में तो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट हो रहा है तो एवरी बेनिफिट विच यू आर गेटिंग विल बिकम योर पर सबको समझ में आ रहा है फिर तो हमें जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं क्या बेनिफिट मिला एक तो कार मिल गई कार की वैल्यू बनेगी प्लस अगर कार के साथ साथ उसके फ्यूअल एक्सपेंसेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी कंपनी बेयर कर रही है तो वो भी दैट विल बिकम द पर पक्का ना सबको समझ में आ रहा है हमें कार मिल गई हंड्रेड परसेंट पर्सनल यूज के लिए उसका पेट्रोल डीजल ठीक है जिस भी जिस किसी फ्यूल पर वो चलती है इलेक्ट्रिक कार ठीक है वो सारी चीजें इंप्लॉयर प्रोवाइड करा देता है साथ साथ में ड्राइवर भी दे, दे देता है आपको कि आपका ये पर्सनल ड्राइवर है आप इस ये आपकी की मदद करेगा ठीक है तो यू आर गेटिंग अ शॉफर ड्रिवन कार तो उस केस में जितना भी खर्चा कंपनी कर रही है दैट विल बिकम योर पर इनकम टैक्स ऑफिसर बोलेगा अरे बॉस आपको तो इतना फायदा मिल रहा है यू आर गेटिंग अ कार एंड ओवर एंड अबव यू आर गेटिंग यू आर फ्यूल एक्सपेंसेज मेंटेनेंस एक्सपेंसेज प्लस अ शॉफर एक ड्राइवर भी मिल रहा है मैं सब कुछ आपका टैक्सेबल करूंगा सब कुछ आपकी इनकम है आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा सो हेयर एवरीथिंग तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार का टेन परसेंट पर है ना वैल्यू ऑफ द कार का टेन परसेंट ले लेंगे ठीक है एक्चुअल कॉस्ट का लेंगे ओरिजिनल कॉस्ट का रिटर्न ऑन वैल्यू का नहीं अगर कंपनी ओन्ड है तो टेन परसेंट पर है ना कंपनी हायर्ड है तो हायर चार्जेस एज द केस में भी ठीक है और हायर चार्जेस ऑल एक्सपेंसिस मेड बाय बायर एम्प्लॉयर ने जो भी खर्चा करा उसका फ्यूल का करा मेंटेनेंस का किया आ, सर्विस एंड मेंटेनेंस ड्राइवर का किया सब चीज़ आप ऐड कर देंगे हाँ अगर आपसे कुछ पैसे रिकवर किए जा रहे हैं तो वो तो माइनस हो जाएंगे ठीक है दैट इज़ नो प्रॉब्लम तो 100% परसेंट पर्सनल यूज के लिए पूरा का पूरा परक्यूज वैल्यू बना दीजिएगा जितना भी इम्प्लॉयर का खर्चा होता है प्लस कार की ओरिजिनल वैल्यू का रिटर्न ऑन वैल्यू का नहीं ओरिजिनल वैल्यू का 10% परसेंट एनम अगर कार हायर्ड है बाय द एम्प्लॉयर तो हायर चार्जेस लेने हैं ठीक है विच एवर इज लोअर नहीं ठीक है ओन्ड है तो 10% परसेंट एनम हायर्ड है तो एक्चुअल हायर चार्जेस जितना भी अमाउंट इंप्लाइज से रिकवर किया जा रहा है प्लीज उसको लेस कर लीजिएगा सो दिस बिकम्स योर कार इज इज पर्सनल इट पार्टली ज्यादातर आपको एग्जाम में पार्टली यूज मिलता है ठीक है तो यहां पर आपको देखना है कि वेदर इट इज अ स्मॉल कार और अ बिग कार ये स्मॉल कार और बिग कार के पैरामीटर्स क्या होते थे उसका इंजन कैपेसिटी तो इफ द इंजन कैपेसिटी इज अपन पॉइंट सिक्स लीटर सीसी तो दैट वी कॉल अ स्मॉल कार 1.6 ज्यादा है तो दैट वी कॉल बिग कार तो इनकेस अगर पार्टली यूज हो रही है तो वी है 1800 और ट्वेंटी फोर हंड्रेड पर मंथ तो फिर इतना ही परिसंट इनकेस यहां पर आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज करेगा वो बोलेगा कि कार है कंपनी ने प्रोवाइड की पार्टली यूज हो रही है और इंप्लॉय से रिकवर किए जा रहे हैं एट हंड्रेड पर मंथ तो आप क्या करोगे जितना भी इम्प्लॉय से रिकवर किया गया वो माइनस कर करेंगे वहां पर प्लीज़ ये गलती मत कीजिएगा दिस इज अ फिक्स्ड अमाउंट इफ द कार इज अ स्मॉल कार दैट इज अप टू 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी देन वन एटीन पर मंथ फिक्स लेना है जितना भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा नीचे नोट में आप मैंशन कर कर दीजिएगा दैट एटीन या ट्वेंटी फोर हंड्रेड इज द केस में भी इज अ फिक्सड अमाउंट इसमें से कोई रिकवरी माइनस नहीं होनी है ठीक है बट इन केस कार आपको प्रोवाइड की गई बट एक्सपेंसेस उसके एम्प्लॉय बियर करता है एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ उसका रनिंग एक्सपेंसेस उसका फ्यूल का खर्चा उसका मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉय अगर बियर करता है तो उस केस में आप परक्यूज वैल्यू थोड़ी सी कम बनाएंगे क्यों यहाँ पर हमें कम फायदा हो रहा है इंप्लॉय को कम फ़ायदा हो रहा है गाड़ी तो मिली है बट उसके एक्सपेंसिस एम्प्लॉय को बियर करने पड़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा तो हो रहा है गाड़ी मिलने का बट कंपेरेटिवली कम फायदा है तो यहां पर 600 पर मंथ फॉर अ स्मॉल कार नाइन हंड्रेड पर मंथ फॉर अ बिग कार ठीक है तो जनरली आपको वैसे आता ये है ये भी आ सकता है ऐसे में मैं नहीं कह रहा कि यह नहीं आएगा बट जनरली देखा गया जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है एक्सपेंसेज आर पेड बाई एम्प्लॉयर तो आप एटीन हंड्रेड या ट्वेंटी फोर हंड्रेड लेते हैं ठीक है इनकेस इफ यू गेट द क्वेश्चन द एक्सपेंसेज आर मेड बाय एम्प्लॉय तो प्लीज सिक्स हंड्रेड और नाइन हंड्रेड लीजिएगा डिपेंडिंग कि कार कितनी बड़ी है प्लस ये जो 1800 है या 2400 है 600 है 900 है इसमें 900 पर मंथ आप और ऐड कर देंगे इन केस अगर ड्राइवर भी है तो 1800 प्लस 900 हो जाएगा उस केस में 2400 प्लस 900 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 इस तरीके से हो जाएगा तो अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड है तो जितना भी ऊपर अमाउंट है प्लीज़ उसमें नाइन पर मंथ लीजिएगा ठीक है और अगर फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी प्रोवाइड की गई है फाइव मंथ्स के लिए तो ठीक है भाई एटीन हंड्रेड आया तो एटीन हंड्रेड वाली सिचुएशन तो एटीन हंड्रेड फाइव ड्राइवर भी है साथ में तो एटीन हंड्रेड प्लस नाइन हंड्रेड दैट मीन्स ट्वेंटी सेवन हंड्रेड फाइव सेवन मंथ्स के लिए प्रोवाइड किया गया तो इन्टू सेवन अगर सेवन मंथ्स टेन डेज़ के लिए प्रोवाइड किया गया या सेवन मंथ्स फिफ्टीन डेज़ के लिए प्रोवाइड किया गया सेवन मंथ्स ट्वेंटी फाइव डेज के लिए प्रोवाइड किया गया तो पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर करना है पार्ट ऑफ द मंथ को हमें नहीं लेना है यानी कि यहां पर हमें कंप्लीटेड मंथ्स ही लेने हैं तो पार्ट ऑफ द मंथ शुड बी इग्नोर्ड ठीक है और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर ये आ सकता है एग्जाम में केस मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड पार्टली यूज के लिए पार्टली यूज है कि आप दो कार दे दी कंपनी ने या तीन कार दे दी तीन कार कौन देता है बट फिर भी दो कार भी कोई नहीं देता है वैसे तो बट इन केस किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को कंपनी ने दो कार दे दी कि आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं या आपकी कार आप ले जाइए पार्टली यूज करेंगे तो फिर दो कार के लिए हम पार्टली परक्यूजिट निकालेंगे द आंसर इज नो ओनली वन कार तो लेट्स ए कार वन कारू आपको दे दी गई कि आप दोनों को आप पार्टली यूज कर सकते हो तो वी हैव टू ट्रीट ओनली वन कार एज पार्टली यूज एंड ऑल अदर कार्ड एज पर्सनल यूज़ ऑल अदर कार्ड को हम फिर हंड्रेड परसेंट पर्सनल मानेंगे तो यहाँ पर हमें डिपेंड करता है हमें फिर एम्प्लॉयी के ऊपर ही ऑप्शन होता है कि वो कौन सी गाड़ी को पार्टली यूज़ मानना चाहता है और बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसको पर्सनल यूज मानना चाहता है तो उसको जो भी बेनिफिट होता है वो अपनी सब सारे ऑप्शन देखता है ऑप्शन कैसे करते थे इसमें जैसे कार वन को पहले हम पार्टली मानते थे अदर कार्ड को पर्सनल मानते थे उससे वैल्यू क्या आती है फिर हम कार वन को पर्सनल मान लेते हैं अदर कार दूसरी जो गाड़ी है उसको आ, पार्टली मान लेते हैं उससे क्या वैल्यू आ रही है तो जिस किसी भी ऑप्शन से आपकी मिनिमम इनकम आए वो आप ऑप्शन चूज कीजिएगा ठीक है तो यहां पर क्योंकि ऑप्शन दे दिया गया है एम्प्लॉय को कि आप कौन सी गाड़ी को चूज करना चाहेंगे एज पार्टली और बाकी गाड़ियों को आपको पर्सनल यूज के लिए जिस तरीके पर यूजिट निकलता है वैसे चूज करना पड़ेगा ठीक है इनकेस द कार इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय अगर कार कंपनी की नहीं है एम्प्लॉय की खुद की है तो उस केस में हंड्रेड परसेंट पर्सनल यूज अगर हो रही है तो गाड़ी इसको इसको गाड़ी की फैसिलिटी तो नहीं मिली पर कंपनी अगर इसके ऊपर एक्सपेंसेस बेयर कर रही है तो एक्सपेंसेस का फ़ायदा हो गया क्योंकि गाड़ी तो हमारी है पहले हम क्या लेते थे टेन परसेंट पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या हायर चार्जेस उस केस में तो ये फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि गाड़ी हमारी खुद की है तो इस केस में जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो हमारा परकेज बन जाएगा एनी रिकवरी शाल बी सब्रैक्टेड ठीक है इनकेस कार अगर एम्प्लॉय की है और वो पार्टली यूज़ हो रही है पार्टली फॉर पर्सनल पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पज तो उस केस में आप जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है उसमें से आप माइनस कर देंगे 1800 पर मंथ या फिर 2400 पर मंथ आप माइनस 1800 करना है 2400 करना है डिपेंड करता है साइज ऑफ द कार ठीक है छोटी गाड़ी है तो एटीन हंड्रेड माइनस कर दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर आपको टेन थाउजेंड पर मंथ एक्सपेंसिस दे देता है कि आप इसमें पेट्रोल वगैरह आप इसमें आप यूज कर सकते हैं पेट्रोल वगैरह मेंटेनेंस वगैरह के लिए टेन थाउजेंड पर मंथ बट आप इसको ऑफिशियल और पर्सनल दोनों में यूज कर सकते हैं तो आप क्या करिएगा परक्यूज वैल्यू कितना बनेगा टेन थाउजेंड माइनस एटीन हंड्रेड सो दैट मेक्स एटी टू हंड्रेड पर मंथ ठीक है अगर बड़ी गाड़ी है तो 1800 माइनस मत कीजिएगा फिर 2400 माइनस कीजिएगा फिर आ जाएगा 7600 पर मंथ ठीक है इनकेस ड्राइवर भी कंपनी ने दे दिया तो आप क्या करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी आपको दस पर मंथ देती है और साथ साथ में ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया छोटी गाड़ी के लिए एटीन और यहाँ पे नौ सौ रुपये और मिलाकर तब माइनस कीजिएगा ठीक है तो माइनस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड हो गया क्लियर हो गया क्या सर आप एटीन हंड्रेड से ज़्यादा अमाउंट भी माइनस कर सकते हैं द आंसर इज येस कर सकते हैं अगर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड हो कि कितनी आपने जर्नी परफॉर्म करी है क्या माइलेज है गाड़ी का ठीक है कितने एक्सपेंसेस हुए हैं अगर उसकी लॉग बुक मेंटेन्ड हो ड्यूली अप्रूव्ड बाय योर एम्प्लॉयर हो तो आप ज्यादा अमाउंट भी माइनस कर सकते हैं ठीक है सो दिस वॉज मोटर कार पर एक नेक्स्ट कम टू अदर परक्यूजिट्स ठीक है ये दोनों परक्यूजिट्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम में अक्सर हम लोग आर एफ ए या मोटरकार के बारे में देख लेते हैं बाकी परक्यूजिट्स भी इंपॉर्टेंट है उसमें से कुछ भी आ सकते हैं छोटे छोटे परक्यूजिट्स हैं इनकेस अगर इम्प्लॉयर ने डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है गार्डनर कुक वॉचमैन एट्सेट्रा ऐसी डोमेस्टिक uh, सर्वेंट आपके घर के लिए सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है तो दैट विल बिकम अ परक्यूजेट तो अमाउंट जितना भी अमाउंट उस के ऊपर खर्च करता है एम्प्लॉयर दैट विल बी परूसेट जितनी भी रिकवरी हो रही है आपसे जितनी भी रिकवरी हो रही है आपसे वो माइनस कर लीजिएगा तो जितना भी फॉर एग्जांपल एक डोमेस्टिक सर्वेंट दे दिया गया कंपनी ने और डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी कंपनी पे करती है आठ हज़ार पर मंथ की तो आठ हज़ार पर मंथ विल बिकम योर पर क्यूसेट इनकेस आपसे टू थाउजेंड पर मंथ रिकवर किए जाते हैं टू थाउजेंड माइनस कर लीजिएगा सिक्स थाउजेंड विल बिकम योर पर पर मंथ सिक्स थाउजेंड लेट से पूरे बारह महीने तो सिक्स थाउजेंड टू ट्वेल्व ठीक है बट डोमेस्टिक सर्वेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई ठीक है याद आती है ये बातें स्पेसिफाइड एम्प्लॉई इवन गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई के लिए ही टैक्सेबल होते हैं मोटर कार फैसिलिटी भी एजुकेशन फैसिलिटी भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉई ठीक है आप यहां पर लिख सकते हैं सो डोमेस्टिक सर्वेंट गैस इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन फैसिलिटी और यहां पर मोटर कार भी हमने पढ़ा दिस इज ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है अगर वेदर दै पर्सन इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर एनी टाइप ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम डरिंग द प्रीवियस ईयर कोई भी डायरेक्टर हो तो वो स्पेसफाइड एम्प्लॉय भी खेलाता फिलाया जाता है या फिर अगर उसका सब्सटैशल इंटरेस्ट हो ठीक है सब्सटैशियल इंटरेस्ट में मतलब ट्वेंटी परसेंट या मोर ओनरशिप राइट्स हों तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाया जाता है या फिर अगर उसकी सैलरी इनकम फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाया जाता है ठीक है सो दीज आर टेक्सिबल ओनली फॉर स्पेसीफाइड बाकी के तो सारे टेक्सीबल होते हैं डोमेस्टिक सर्वेंट okay, में जितना भी अमाउंट कंपनी ने पे किया उस सर्वेंट के लिए दैटविल बिकम यूर पर माइनस कर दीजिएगा गैस इलेक्ट्रिसिटी वॉटर के लिए गैस इलेक्ट्रिसिटी वॉटर ठीक है घर में गैस सिलेंडर या गैस पाइपलाइन की फैसिलिटी है या इलेक्ट्रिसिटी या वॉटर का बिल कंपनी पे कर रही है तो जितना भी एक्सपेंसिस कंपनी के हो रहे हैं जितना भी एक्सपेंसिस हो रहे हैं माइनस रिकवरी अब एक्सपेंसेस कैसे हो रहे है? अब हैं अब डिपेंड करता है दो केसेस हो सकते हैं यहां पर फॉर एग्जाम्पल आप आ, काम करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में आईओ में तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आपके घर में दो गैस सिलेंडर भी पर मंथ दो गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड करा देती है तो उस केस में कितना खर्चा हो रहा होगा कंपनी का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है तो उस केस में जितना भी खर्चा हो रहा है उस कंपनी का सिलेंडर्स के ऊपर दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ द कंपनी इन केस यू आर वर्किंग विथ सम अदर एम्प्लॉयर वो क्या करते हैं आपको कहीं से गैस सिलेंडर खरीदते हैं फिर आपको दे देते हैं तो कंपनी का कितना खर्चा हुआ दैट इज परचेज कॉस्ट तो डिपेंड करता है इट कुड बी योर गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड पार्टी से परचेज करती है कंपनी तो उनकी परचेज कॉस्ट अगर वो खुद ही ऐसी चीजें मैनुफैक्चरिंग करती है तो उनकी मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट ठीक है या प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड ठीक है एजुकेशन फैसिलिटी इंपॉर्टेंट जितना भी खर्चा कंपनी करती है एजुकेशन के ऊपर एजुकेशन के ऊपर अदर देन एम्प्लॉय हिमसेल्फ अगर इंप्लॉय के ऊपर खर्चा किया गया तो दैट इज एग्जेमड अगर इंप्लॉय की फैमिली मेंबर्स के ऊपर खर्चा किया गया तो दैट बिकम्स टिक्सबल ठीक है तो जितना भी एक्सपेंसेस कंपनी इनकर कर रही है योर एम्प्लॉयर इज स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ योर फैमिली मेंबर तो दैट बिकम्स योर एट कोई भी अमाउंट रिकवर्ड माइनस कर दीजिएगा ठीक है अगर चिल्ड्रन बच्चों के लिए खर्चा किया जा रहा है तो अगर इसकी परक्यूजिट वैल्यू पर, पर चाइल्ड वन थाउजेंड पर मंथ से ज्यादा की नहीं है इज अप रुपीज वन थाउजेंड पर मंथ तो उस केस में एक्ज हो जाएगा तो लेट से कंपनी चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड के लिए लेट से फोर्टीन हंड्रेड पर मंथ का एक्सपेंस कर रही है उसमें से इम्प्लॉज से रिकवर किया जा रहा है लेट से फाइव हंड्रेड रुपीज़ तो प्लीज बताइए परक्विड कितना बना नाइन हंड्रेड पर मंथ अब नाउ इट इज नॉट एक्सीडिंग वन थाउजेंड रुपीज वन थाउजेंड से एक्सीड नहीं हो रहा उस केस में ये एग्जेम्ट हो जाएगा ठीक है प्लीज ध्यान दीजिएगा कंपनी कितना खर्चा कर रही है फोर्टीन हंड्रेड पर मंथ रिकवरी कितनी हो रही है आपसे फाइव हंड्रेड की सो दैट परक्यूजिड वैल्यू जो परक्यूजिड वैल्यू है विच इज नॉट एक्सीडिंग वन थाउजेंड रुपीज उस केस में ये एग्जेप्ट हो जाएगा तो वन थाउजेंड पर मंथ सिर्फ चिल्ड्रन के केस में एग्जेम्ट हो सकते हैं और जहां पर भी चिल्ड्रन की बातें आती हैं पूरी इनकम टैक्स में इट इंक्लूड्स योर योर नहीं मतलब इम्प्लॉयज ठीक है इम्प्लॉयज एडॉप्टेड चाइल्ड ऑल्सो स्टेप चाइल्ड ऑल्सो ठीक है तो एग्जेंट फॉर चिल्ड्रन इफ पर परक्यूज वैल्यू इज अपू वन थाउजेंड तक है तो एग्जेट वन थाउजेंड एग्जैक्ट है तो भी एग्जेम्ट कर दीजिएगा वन थाउजेंड से ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल फोर्टीन हंड्रेड कंपनी खर्चा कर रही है इस केस में तो ये हो जाएगा एग्जेम बट कंपनी लेट से 1400 पर मंथ का एक्सपेंस कर रही है और इंप्लॉय से रिकवर किए जा रहे हैं टू हंड्रेड रुपीज तो दैट बिकम्स 1200 पर मंथ सो दैट दिस विल बिकम फुली टैक्सेबल फिर 1200 ऐसे नहीं कि 1000 तक एक्जाम है फिर इट बिकम्स फुली टैक्सेबल फिर वो फुली टैक्सेबल हो जाता है ठीक है और इन केस द इंस्टीट्यूशन जहां पर वो एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इट इज़ ओन्ड बाय द इम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर का खुद का स्कूल है खुद का कॉलेज है खुद का इंस्टीट्यूशन है उस केस में हम उसकी कॉस्ट कितनी लेते हैं उसकी डीम्ड कॉस्ट लेते हैं डीम्ड कैसे पता चलती है कि सिमिलर इंस्टीट्यूट कितनी फीस चार्ज करते हैं फिर वो वैल्यू बन जाती है परिक्योजिट वैल्यू माइनस रिकवरी ठीक है हाँ बट अगर इम्प्लॉय के लिए अगर इम्प्लॉयी के लिए खर्चा करती है कोई भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉय के लिए दैट इज़ फुली टैक्स फ्री ठीक है चाहे एम्प्लॉय को वन डे कोर्स कराया जा रहा है फिफ्टीन डेज कोर्स कराया जा रहा है एक साल या दो साल का एम कराया जा रहा है एम्प्लॉ को तो दैट इज कम्पलीटली टैक्स फ्री तो कुछ फुली एग्जाम परक्यूज होते हैं थोड़ी देर में देखते हैं बट हाँ अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर है एजुकेशन फैसिलिटी ठीक है एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एजुकेशन फैसिलिटी जो इम्प्लॉय को प्रोवाइड की जा रही है दैट इज़ फुली एग्जाम ठीक है और भी बातें करेंगे थोड़ी देर में ओके कम टू नेक्स्ट पर क्यू दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ठीक है दीज आर नॉर्मल इक्विटी शेयर्स विच आर गिवन टू द इंप्लॉय ठीक है एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल अमाउंट में तो कंपनी का करती है अपने शेयर्स आपको दे देती है इधर एट कंसेशनल इसका मार्केट वैल्यू चल रही है अच्छी खासी बट आपको वो फ्री में दे देती है तो यू आर गेटिंग समथिंग ठीक है यू आर गेटिंग सम शेयर्स दैट बिकम्स योर परक्वेट उसके ऊपर टैक्स लगेगा तो जितनी भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है ऑफ द शेयर्स व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज लेट से आपको सेट इक्विटी शेयर्स दे दिए गए या फिर ई सॉप्स दे दिए गए इंप्लायज स्टॉक ऑप्शन प्लान तो जब जिस किसी भी दिन आप इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं उस दिन देखते हैं कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है दैट बिकम्स योर पर अगर आपसे कोई रिकवरी की जा रही है तो उसको आप माइनस कर दीजिएगा लेट से उस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है शेयर की लेट से सिक्स आपसे रिकवरी की जा रही है वन फिफ्टी तो फोर फिफ्टी पर शेयर आपकी पर क्यूज वैल्यू बन जाती है तो लेट से आपको हंड्रेड शेयर प्रोवाइड किए गए हैं तो फोर्टी फोर फिफ्टी इन हंड्रेड जिस दिन ये शेयर्स अलॉट होंगे उस दिन आपकी ये सैलरी इनकम बन जाएगी ठीक है बट यहाँ पर एक मेजर अमेंडमेंट भी आई है इस टाइम ता, पर कि इनकेस ये एलिजिबल स्टार्टअप्स के शेयर्स हैं एलिजिबल स्टार्टअप के शेयर हैं तो हम इसको अभी इसके ऊपर टैक्स को डेफर कर देते हैं कब तक डेफर कर देते हैं ये हमने पढ़ा था अमेंडमेंट में हम इसको 48 एट मंथ्स तक जब तक ये शेयर्स बेचते नहीं हैं तब तक या फिर जब तक कंपनी छोड़ता नहीं है एम्प्लॉई वहाँ से रिजाइन नहीं देता तब तक हम इसको डेफर कर देते हैं तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये ऑलरेडी हमने अमेंडमेंट में कवर किया था ठीक है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए बारे में याद रखिएगा जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स की माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द इम्प्लॉय दैट बिकम्स योर पर सभी कंपनी के लिए हम टैक्सेबल कर देंगे जैसे ही आपको शेयर्स अलॉट होते हैं बट ओनली इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप इसको इस साल की इनकम तो बनाएंगे बट इसके ऊपर का टैक्स हम डेफर कर देते हैं वो हमने बातें की थी अमेंडमेंट में भी ठीक है अगर कुछ स्टूडेंट्स ने आ, वो एलिजिबल स्टार्टअप वाली चीज मिस की थी तो आप इसको अमेंडमेंट लेक्चर्स में भी देख सकते हैं ओके okay. इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन दैट इज़ अगेन अ पर्यूज अगर हमारी कंपनी हमें लोन दे देती है ठीक है और उसका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती है दैट वी कॉल्ड इंटरेस्ट फ्री या फिर बहुत कम रेट चार्ज करती है उसके ऊपर इंटरेस्ट का तो दैट बिकम्स आर परूज कंसेशनल इंटरेस्ट भी परक्यूज बन जाएगा बट कुछ इंपॉर्टेंट बात हैं ट्वेंटी थाउजेंड तक का अगर आप लोन लेते हैं पूरे साल में ट्वेंटी थाउजेंड से ज़्यादा का लोन नहीं लिया अप टू ट्वेंटी थाउजेंड तक का लिया है तो दैट इज़ एक्जेंट चाहे वो आपको इंटरेस्ट फ्री मिले तो कुछ लिमिट तक एग्जेम्ट किया गया है कि इसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे दूसरा अगर इम्प्लॉय या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर ठीक है किसी भी स्पेसिफाइड डिजीज़ लाइक एच कैंसर ठीक है ट्यूबर इन सब चीज़ों से अफेक्टेड हो गया उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन लिया गया तो दैट इज़ अगेन एक्जम्प्ट तो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ तक का लोन एक्जेम्ट होता है सर अगर हम उन्नीस हज़ार उन्नीस हज़ार उन्नीस हजार के तीन लोन ले लें नहीं जी एग्रीगेट देखना है पूरे साल में बीस हज़ार से ऊपर नहीं जाना चाहिए ठीक है अगर आप नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड नाइनटीन थाउजेंड के लोन ले लेंगे तो दैट विल बिकम टेक्सेबल मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिजीज़ लाइक कैंसर ट्यूबर एच आई वी एक्सेट्रा दैट इज एग्जेम्ट ठीक है बट बाकी अगर आपका बीस हज़ार से ऊपर का लोन है या फिर मेडिकल uh, ट्रीटमेंट के लिए नहीं लिया गया नॉर्मल केस के लिए लिया गया तो दैट बिकम्स टैक्सेबल ठीक है फिर उसको टैक्सेबल करेंगे सर कितना बीस हज़ार से ऊपर नहीं फिर फिर तो पूरा टैक्सेबल अगर फॉर एग्जांपल किसी ने थर्टी थाउजेंड का लोन लिया है तो फिर पूरा थर्टी थाउजेंड के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं आप दैट बिकम्स टैक्सेबल ठीक है तो इन अदर केसेस हम टैक्सेबल करेंगे और कितना टैक्सेबल करेंगे जितना भी आप इंटरेस्ट सेव करते हैं यहाँ पर मैं लिख दूँ जितना भी आप इंटरेस्ट सेव करते हैं दैट बिकम्स योर इंटरेस्ट सेव का मतलब क्या होता है कि बैंक का इंटरेस्ट कितना है माइनस कितना भी आप कितना इंप्लॉयर को पे करते हैं लेट से बैंक का इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट पर आया ना मैं और इंप्लॉयर आपको फ्री में लोन देता है तो so, फिर कितना परसेंट इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं सर पूरा ट्वेल्व परसेंट फॉर एग्जाम्पल वो आपसे सिर्फ टू परसेंट चार्ज करता है तो so, कितना परसेंट सेव कर रहे हैं आप ट्वेल्व माइनस टू दैट इज टेन परसेंट ठीक है तो जितना भी इंटरेस्ट आप सेव कर रहे हैं तो दैट बिकम्स योर परक्यूज और कौन सा बैंक का हमें ये कंसिडर करना है इंटरेस्ट जब हम सेव की हम बातें करते हैं तो एच डी एफ सी बैंक का आई सी आई सी बैंक का एस बी आई का पी एन बी का कौन से बैंक का तो वी टेक एस एस बी आई तो हम एस बी आई का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं जिस परपज़ के लिए लोन लिया गया एस बी आई का वही रेट देखते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार लोन लिया है तो एस बी आई का कार लोन वही का लोन देखना है देखना है अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से होम लोन लिया है तो एस का होम लोन का रेट क्या है ठीक है और जिस ईयर में आपने ये लोन लिया है उस ईयर का फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट अप्रैल को एस का रेट क्या चल रहा था ठीक है और अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंसिपल रीपे करते रहते हैं हर महीने आप कुछ ना कुछ प्रिंसिपल रीपे भी करते हैं तो आपको फिर देखना पड़ता है कि हर मंथ के लास्ट में कितनी आउटस्टैंडिंग बची है आप उसी के ऊपर इंटरेस्ट सेफ कैल कंप्यूट करते थे ठीक है मैं क्योंकि चार्ट रिविज़न है क्विक रिविजन है तो मैं इलस्ट्रेशन तो नहीं करा पाऊंगा बट आई बिलीव आपको याद आ गया आ गया होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हर मंथ की आउटस्टैंडिंग कम होती जा रही है आप लेट से प्रिंसिपल अमाउंट भी कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं तो आप हर मंथ के लिए प्लीज़ कैलकुलेट कीजिएगा और एंड ऑफ द मंथ ठीक है एंड ऑफ द मंथ थर्टीथ है या थर्टी है उस दिन आपका लोन का आउटस्टैंडिंग कितना बचा है उसके ऊपर आप आ, ये इंटरेस्ट सेफ कैलकुलेट कीजिएगा ठीक है कम टू नेक्स्ट फूड एंड रिफ्रेशमेंट फेसिलिटीज जितना भी हमें रिफ्रेशमेंट मिलता है चाय कॉफी ठीक है ये सारी चीज़ें एग्जेंट होती हैं रिफ्रेशमेंट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता फूड के ऊपर टैक्स लगाया जाता है फूड मतलब मील्स अगर आपको लंच प्रोवाइड किया गया या डिनर प्रोवाइड किया गया दैट बिकम्स टैक्सेबल बट इन एक्सेज ऑफ रुपीज फिफ्टी पर मील पचास रुपये से ऊपर टैक्सीबल uh, हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मील आपको प्रोवाइड की गई उसकी कॉस्ट सेवेंटी रुपीज़ है तो फिफ्टी माइनस करने के बाद ट्वेंटी रुपीज़ टेक्सीबल कर दीजिएगा ट्वेंटी रुपीज़ टेक्सीबल कर दीजिएगा तो मील्स के लिए फिफ्टी रुपीज़ तक एक्जेंट है इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी टेक्सीबल होगा ठीक है रिफ्रेशमेंट्स वगैरह फुली एग्जेप्ट होते हैं बट अगर आपको लंच या डिनर प्रोवाइड किए गए हैं रिमोट एरियाज़ में ठीक है आप किसी ऑनशोर साइट पर माइनिंग साइट वगैरह पर बहुत रिमोट एरिया पर अगर काम कर रहे हैं तो इन दैट केस मील्स आर ऑल्सो एक्ज क्योंकि खाने के लिए तो उस समय वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं ठीक है इतने रिमोट लोकेशन पर आप काम कर रहे हैं इन दैट केस दैट वुड बी एग्जेम ठीक है गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर ज्यादातर आता रहता है गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर तो गिफ्ट अगर इंप्लॉयर से मिले तो सैलरी इनकम होती है अच्छा अगर कस्टमर या क्लाइंट से मिले तो पीजीबीपी ठीक है अगर हमें अपने फ्रेंड्स दोस्तों से मिलते हैं तो आई एफ ओ एस रिलेटिव से मिलते हैं तो भी आई एफ ओएस जाता है बट रिलेटिव में आपको पता है कि एग्जेम्ड uh, भी हो जाता है वो हम आई एफ ओ एस में डिस्कस करते हैं बट इम्प्लॉयर से गिफ्ट्स आर टेक्सीबल अंडर सैलरी कैश गिफ्ट मिले फुली टेक्सीबल कर दीजिएगा कैश गिफ्ट मिले फुली टेक्सीबल कीजिएगा अगर गिफ्ट मिले इन काइंड में तो इन काइंड में मिले पूरा एग्रीगेट पूरे साल का अगर उसकी वैल्यू पाँच हज़ार रुपये तक है तो छोड़ दीजिएगा पाँच हज़ार से ऊपर है फिर फुली टैक्सीबल कीजिएगा ठीक है पूरे साल में ठीक है तो गिफ्ट इन काइंड पाँच हज़ार रुपये तक छोड़ दीजिएगा अगर उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल छः हज़ार आ रही है फिर छः हज़ार पूरा टेक्सीबल कीजिएगा फुली इन एक्सेज ऑफ फाइव नहीं फिर फुली टेक्सीबल कीजिएगा Although एक और ियन है इंस्टीट्यूट का इन एक्सेज ऑफ फाइव भी कर सकते हैं बट कोशिश कीजिएगा फुली करें, ठीक है? ओके, यूज ऑफ मूवेबल असिट्स अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको आ, कुछ फर्नीचर यूज करने के लिए दे दिया या कोई आ, टीवी यूज करने के लिए दे दिया यूज करने के लिए उसने परमानेंटली ट्रांसफर नहीं किया जब तक आप वहां पर एम्प्लॉई हैं आप इसको यूज कर सकते हैं ठीक है तो यूज ऑफ मूवेबल असेट अच्छा इमूवेबल असेट्स दिया घर दिया तो घर के लिए तो हम बातें कर चुके हैं रेंट फ्री है कंसेशनल रेंट में तो अगर उसने आपको यूज करने के लिए असेट्स दे दिया है कार के लिए भी हम अलग से देख चुके हैं कि कार उसने पर्सनल यूज के लिए दिया था तो हमने उसकी कंपटीशन कैसे की थी उसके अलावा बातें कर रहे हैं हम लोग सिर्फ यूज करने के लिए जब आप ये कंपनी रिजाइन करके जाएंगे तब तो आप ये आपसे वापस ले लिया जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स अ समर सीजन और कंपनी ने आपको ए सी दे दिया कि आपके घर में ए सी लगा दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो दैट बिकम्स योर परक्यूज बट इनकेस अगर वो उन्होंने आपको कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करने के लिए दिया है सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करने के लिए दिया है तो उसका हम परक्यूज नहीं लेते हैं ठीक है दैट डैट विल नॉट बिकम योर इनकम क्योंकि जनरली लैपटॉप दे दिया जाता है कंपनी कहती है कि ठीक है लैपटॉप ले जाओ यूज़ करने के लिए आपके पर्सनल पर्सनल वर्सनल कुछ नहीं होता ठीक है आजकल तो वैसे भी वर्क फ्रॉम होम हो गया है और लोगों का ज़्यादातर ये ओपिनियन है कि जब से ये वर्क फ्रॉम होम हुआ है तब से हमसे और ज़्यादा काम कराया जा रहा है ठीक है ठीक है तो इनकेस अगर कंप्यूटर या लैपटॉप दे दिया गया है तो दैट बिकम्स योर परक्यूज नो दैट इज नॉट ए बिकॉज कभी भी हमारा बॉस फोन करके बोल देगा कि आपको आज ये प्रेजेंटेशन बनानी है जल्दी से ये एक्सेल फाइल कंप्लीट कीजिए तो दैट विल नॉट बिकम परूज सर अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर हम पिक्चर देख लें शाम को या इम्प्लॉय का बच्चा गेम खेल ले दैट्स ओके इट विल नॉट बिकम परूजेड ठीक है बट अगर अदर मूवेबल असेट्स दे दिए अदर मूवेबल असेट्स लाइक ए दे दिया है ठीक है माइक्रोवेव दे दिया है यूज़ करने के लिए कि जब तक आप इम्प्लॉय हैं तब तो तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं या कुछ टाइम पीरियड के लिए दे दिया यूज़ करने के लिए तो दैट विल बिकम परक्यूज अब डिपेंड करता है कि फॉर एग्जाम्पल वो अल्मेरा uh, दे दिया है फर्नीचर दे दिया है ए सी दे दिया है टी वी दे दिया है वो कंपनी का खुद का था या कंपनी का हाईड था तो ये बात आप जानते हैं अगर कंपनी का खुद का था एम्प्लॉयर ओन्ड था तो टेन परसेंट पर है ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर था तो एक्चुअल हायर चार्जेस ठीक है ऑफकोर्स लेस एनी अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉय तो जितना भी अमाउंट इंप्लॉय से रिकवर किया जा रहा है वो माइनस कर लीजिएगा ठीक है कम टू नेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑफ मूवेबल मूवेबल मतलब कभी कभी कंपनी अपने पुराने असेट्स इंप्लॉय को बेच देती है ठीक है सस्ते प्राइस पर इंप्लॉय को दे देती दे है कि अगर आप इसको लेना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं बहुत कम प्राइस पर या फ्री में दे दिया या फ्री में दे दिया तो एक्चुअली वो गिफ्ट बन जाता है तो बट बहुत कम पैसे में दे दिया आपको तो अपना पुराना सेट फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास पुराने कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर्स आपको दे दिए हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए नहीं देखिए अगर कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दिया है तो दैट इज़ नॉट पर बट अगर कंप्यूटर हमेशा के लिए दे दिया है परमानेंट ट्रांसफ़र आप उसको कंप्यूटर को ले सकते हैं जब आप जॉब छोड़ेंगे तो भी हम आपसे वापस नहीं लेंगे आप इस ये हमेशा आपके ये हमेशा आपके आपका हो गया इन दैट केस दैट बिकम्स अ परक्यूज उस केस में पर्यूज बन जाता है तो कितना परक्यूजेड बनेगा देखो लॉजिकल कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती इन सब चीज़ों में ठीक है बहुत लॉजिकल है आप सिंपल देखिए ठीक है इनकम टैक्स ऑफिसर देखिए क्या देखेगा कि आपको आप, आपकी कंपनी की तरफ से कोई असेट मिला कैसा असेट हो गया सेकेंड हैंड सेकेंड हैंड क्यों बोल रहा हूँ कंपनी ने इसको यूज़ किया होगा फिर बाद में कंपनी चाहती है इसको डिस्पोज करना तो उन्होंने अपनी इंप्लॉयज़ को बोला अगर आप लेना चाहते तो आप इसको ले सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के पास एक कार थी उन्होंने तीन साल तक उस कार को यूज किया ठीक है कंपनी ने कार खरीदी दस लाख की ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टेन लाख और कंपनी ने उस कार को तीन साल तक यूज किया और तीन साल के बाद कंपनी ने बोला ठीक है इंप्लॉय आप इसको ले सकते हैं वन लाख रुपीज में वन लाख रुपीज दीजिए और आप इस कार को ले लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा और वो बोलेगा इंप्लॉयी आपकी इनकम हो रही है देखो आपको एक कार मिली है ठीक है कार मिली और ये आपकी इनकम है और आपको दस लाख की कार एक लाख में मिलगी नौ लाख का फायदा आप क्या बोलेंगे सर ये कार दस लाख की थी तीन साल पहले सर कंपनी ने इसको तीन साल तक इतना ज़्यादा चलाया इसकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू तो बहुत कम है तो इसकी फॉर एग्जाम्पल डेप्रीशिएटेड वैल्यू चार लाख है पाँच लाख है छः लाख है तो जो भी इसकी डेपरीशिएटेड वैल्यू है पहले आप वहां पर आइए फिर देखिए सर मेरा कितना परगव बनेगा तो हम लोग को कैसे करना होता है जो भी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें से डिप्रिसिएशन पहले माइनस करना पड़ता है ठीक है तो ये कितनी जितनी भी दो साल तीन साल चार साल जितनी भी पुरानी गा गा गाड़ी है कुछ भी चीज़ें हैं कोई भी मूवेबल असेट है तो पहले इस इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा फिर इसकी वैल्यू पर आइएगा फिर उसमें से माइनस कीजिएगा जितना एम्प्लॉय पे करता है पैसे ठीक है डेप्रिसिएशन कैसे करना है जितना पुरानी है फॉर एग्जाम्पल तीन साल पुरानी है तीन साल का डेप्रिसिएशन दो साल पुरानी है तो दो साल का डेप्रिसिएशन सर तीन साल छः महीने पुरानी है या तीन साल सात महीने पुरानी है या तीन साल आठ महीने पुरानी है जितना भी पार्ट ऑफ द ईयर है उसको इग्नोर कीजिएगा यू हैव टू कंसिडर ओनली कंप्लीटेड ईयर्स मतलब तीन साल ही लेने हैं फिर तो तीन साल एक महीना तीन साल दो महीना तीन साल दस महीने तीन साल ग्यारह महीने तीन, तीन साल, तीन साल तो ही लेना है ठीक है सर तीन साल बारह महीने तीन साल बारह महीने इज नथिंग बट फोर ईयर फिर तो फोर ईयर्स ही लेना है ठीक है ओके डिप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे अगर कंप्यूटर्स आपको दे दिया गया या मोबाइल फ़ोन्स या स्टोरेज डिवाइज मोबाइल फ़ोन्स क्या होते हैं जो बहुत मोबाइल फ़ोन्स बहुत जल्दी डप्रिश होते हैं देखिए आपका पास जो भी फ़ोन होगा मेनली दो तीन साल ही लाइफ होती है उसकी बहुत जल्दी डेपरीशिएट हो जाता है तो यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है कंप्यूटर्स मोबाइल फ़ोन स्टोरेज डिवाइस लाइक टैबलेट्स एटसेक्ट्रा डब्ल्यू डी वी फिफ्टी परसेंट का डेप्रिसिएशन लगाना है वो भी डब्ल्यू डी वी मैथड्स है कार्स के लिए 20% परसेंट का डिप्रिसिएशन लगाना है डब्लू डी में दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू लर्न ये आपको पता होनी चाहिए याद होनी चाहिए बातें कि कंप्यूटर्स सर कंप्यूटर्स के ऊपर तो 40% परसेंट लगता था अरे पी जी नहीं कर रहे हैं पी जी बी का रेट कंप्यूटर्स के ऊपर जो कोई बिजनेस डिप्रिसिएट करता है अपने कंप्यूटर्स लैपटॉप्स वगैरह वो फोर्टी लेते हैं दैट इज पी रेट सर गाड़ी के लिए तो फिफ्टीन होता था जो ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियाँ होती थी उस पर थर्टी होता था अरे बॉस दैट इज़ पी रेट्स सैलरी हम लोग सैलरी कर रहे हैं ठीक है सैलरी के लिए फॉर द परपज ऑफ परक्यूज फॉर द पर्पज ऑफ परक्यूज डिप्रिसिएशन के रेट अलग है इसलिए मैं कह रहा था आपको याद हो करने होंगे कंप्यूटर्स मोबाइल फोन अदर स्टोरेज डिवाइस फिफ्टी परसेंट रिटर्न डॉन वैल्यू मैथड से गाड़ी के लिए ट्वेंटी परसेंट रिटर्न डॉन वैल्यू मैथड से अदर एसेट्स के लिए टेन परसेंट एस एल एम मैथड से एस एल एम मैथड से एम अगेन रिपीटिंग कंप्यूटर्स कार्स वगैरह के लिए डब्ल्यू डी वी मैथड यूज करेंगे बाकी अदर एसेट्स फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपना टीवी दे दिया टीवी ए सी रेफ्रिजरेटर उस सब के लिए टेन परसेंट एनम एस एल एम बेसिस पर ठीक है ओके नेक्स्ट परक्यूज इज एल टी सी लीव ट्रैवल कंसेशन लीव ट्रैवल कंसेशन यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है बोलता है कि आप छुट्टी लीजिए और घूमने जा सकते हैं आप और आपके फैमिली मेम्बर्स घूमने जा सकते हैं और हम आपको आने जाने का ठीक है टू एंड फ्रो जो भी आपका ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं वो हम आपको पे करेंगे तो लीव ट्रैवल कंसेशन भी एग्जेप्ट होता है अब डिपेंड करता है कि हमने कैसे ट्रैवल किया है अगर मोड ऑफ ट्रैवल बाय एयर है बाय एयर है तो एयर में दो क्लासेस होती हैं तो एक तो इकोनॉमिक क्लास एक बिजनेस क्लास तो इकोनॉमिक क्लास का एयर फेयर एक्जम्प्ट होता है इकोनॉमिक क्लास का एयरफेयर याद कीजिएगा वो भी नेशनल कैरियर का नेशनल कैरियर मतलब एयर इंडिया का आपके लिए इकोनॉमिक क्लास एयर इज मोर देन सफिशिएंट तो बाय फॉर एग्जांपल कंपनी ने बिजनेस ट्रैवल के लिए पैसे दिए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्लास का फेयर ही एग्जाम करेंगे अगर आपने बाय एयर ट्रैवल नहीं किया बाय अदर मोड ट्रैवल किया है बाय अदर मोड क्या हो सकता है सर बाय रेलवे किया हो या फिर बाय रोड किया हो या फिर किसी भी मोड से आपने ट्रैवल किया है तो फिर डिपेंड करता है कि अगर आपने किसी अदर मोड से ट्रैवल किया है तो क्या किसी भी मोड़ से आपने ट्रैवल किया हो बस हम ये पूछेंगे कि जिस प्लेस से आपने जहाँ तक भी ट्रैवल करा लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू केरला ठीक है uh, केरला में कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं लेट्स से तो डिपेंड करता है कि क्या वो दिल्ली से लेकर वो प्लेस जहाँ तक आपकी डेस्टिनेशन है क्या वो रेलवे से कनेक्टेड है हमें यह पूछना पड़ेगा क्या वो रेलवे से कनेक्टेड है क्या वो रेल्स अवेलेबल है वहाँ पर अब द आंसर इज यस हाँ सर वहाँ पर रेल्स अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर तक एग्जिम्ट हो जाता है फर्स्ट क्लास सर मैंने किसी और मोड़ से ट्रैवल करा है? अरे आपने किसी भी मोड़ से ट्रैवल करा हो बस हमें ये पूछना है कि वेदर योर प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज कनेक्टेड बाय रेल अगर वो रेल से कनेक्टेड हैं तो हम फर्स्ट क्लास रेल फेयर तक एग्जिम्ट कर सकते हैं इनकेस अगर आपने ट्रैवल किया है किसी ऐसी प्लेस पर जहाँ पर रेल्स नहीं चलती हैं ठीक है थीके? रेल्स नहीं चलती हैं तो हम ही आपसे पूछते हैं क्या वहाँ पर कोई अदर रिकोगगनाइज सिस्टम अवेलेबल है अदर रिकोगनाइज सिस्टम मतलब फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर रेल्स वगैरह नहीं चलती वहाँ पर बस सिस्टम होते हैं रिकोगनाइज स्टेट बस सर्विसेज होती हैं तो अगर वहाँ पर कोई अदर मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिकोगग्नाइज है तो हम फिर उसका फर्स्ट क्लासफेयर उसका फर्स्ट क्लास को हम बोलते हैं डिलेक्स क्लासफेयर तक एग्जम्प्ट कर सकते हैं इनकेस अगर वहाँ पर कोई भी रिकोगनाइज सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऐसी प्लेस पर ट्रैवल किया है जहाँ पर ना रेल चलती है ना कोई अदर रेल अदर सिस्टम चलता है आ, वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से जाना पड़ता है एक पॉइंट तक पहले ट्रेन से जाते हैं फिर बस से जाते हैं फिर आप टैक्सी लेते हैं फिर किसी किसी तरीके से आप अपनी जर्नी पूरी करते हैं वहाँ पर कोई रिकगनाइज सिस्टम अवेलेबल नहीं होता फिर हम देखते हैं इफ नो रिकोगनाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अवेलेबल फिर हम देखते हैं कि अगर ये रेल से कनेक्टेड होते तो इसका डीम्ड फेयर कितना होता तो इन दैट केस इक्विलेंट फर्स्ट क्लास रेल फेयर तक एक्जट होता है रिपीट करूँ एक बार अगर आपने बाय एयर ट्रैवल किया है तो इकोनॉमिक क्लास अगर आपने किसी और मोड से ट्रेवल किया है तो वे लुक एट कि क्या वो रेल सर्विस अवेलेबल है तो फर्स्ट क्लास चाहे आपने किसी भी मोड से ट्रैवल करा हो बट इफ द रेल सर्विस इज अवेलेबल तो फर्स्ट क्लास रेल फेयर इफ़ द रेल सर्विस इज नॉट अवेलेबल बट अदर रिकोगनाइज सिस्टम इज अवेलेबल देन यू हैव टू टेक डिलक्स फेयर ऑफ सच मूड डिलक्स फेयर मतलब फर्स्ट क्लास जो भी आ, बस से कनेक्टेड है तो वहां पर जो भी बस सबसे अच्छी बस चलती है उसकी डिलक्स बस चलती है उसका फेयर इनकेस वो रिकग्नाइज सिस्टम भी अवेलेबल नहीं है तो उसका इक्वेलेंट फर्स्ट क्लास रेल फेयर आपको देखना होगा ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट बातें ठीक है चार साल के ब्लॉक में आप दो बार ही एल टी सी क्लेम कर सकते हैं ठीक है हाँ अगर इन केस वो दो बार भी आप एलटीसी क्लेम नहीं कर पाए एक ही बार की या एक बार भी नहीं की तो क्या सर मैं अपने नेक्स्ट फोर इयर्स के ब्लॉक में आ, वो एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ द आंसर इज़ यस आप मैक्सिमम एक एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बट उसको आपको नेक्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट ईयर में ही अवेल करनी होगी ठीक है याद आ गई ये बात और मैक्सिमम आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ले जा सकते हैं फैमिली मेम्बर्स का मतलब स्पाउस चिल्ड्रन और आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स या ब्रदर एंड सिस्टर वो कवर्ड है यहाँ पर उनको आप ले जा सकते हैं चिल्ड्रन ठीक है चिल्ड्रन का बर्थ अगर वन टेन नाइनटीन नाइनटी एट से पहले हुआ था फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जितने मर्जी चिल्ड्रन आप ले जा सकते हैं बट इस डेट के बाद पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी ठीक है आई प्रज्यूम कि आपके डेट ऑफ बर्थ भी इसके आसपास ही रही होगी ठीक है तो इसके बाद अगर कोई भी चिल्ड्रन का बर्थ हुआ है तो मैक्सिमम दो चाइल्ड अलाउड है इसके बर्थ के बाद वाले चाइल्ड सिर्फ दो चाइल्ड अलाउड हैं बाकी बच्चों को नहीं ले जाएंगे ले जाएंगे टेक्सेबल हो जाएंगे वो सिर्फ दो चाइल्ड तक एक्जेंट कर सकते हैं बट ट्वेंस के केस में ट्वेंस अगर हो गए दे विल बी काउंटेड एज वन ठीक है अगर वो फर्स्ट बर्थ के बाद हुए तो दे विल बी काउंटेड एज वन अगर पहले ट्वेंट्स हो गए तो दे विल बी काउंटेड एज टू ठीक है ये बात आप याद आ गई होगी आपको क्लियर हो गया मेडिकल फैसिलिटीज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल फैसिलिटीज एग्जेम होती है आंसर इज यस अब डिपेंड करता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट कहां पर हुआ है ठीक है फर्स्ट विल सी इन इंडिया एंड देन वी विल सी आउटसाइड इंडिया अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया हुआ है तो एग्जेम्ट होता है सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का जो फैमिली मेबर्स का पार्ट नहीं है उनके लिए एग्जेम्ट नहीं होगा ठीक है किसी भी केस में ठीक है फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आता है यहाँ पर ठीक है इम्प्लॉय का खुद का इलाज हुआ हो उसके स्पाउस का उसके चिल्ड्रन का डिपेंडेंट पेरेंट्स डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर ठीक है इसके अलावा किसी और का इलाज हुआ है अंकल का मदर इन लॉ का फादर इन लॉ का सबको टेक्सीबल कर दीजिएगा सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए एग्जेप्ट करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है फुली एग्जेम्ट फैमिली मेंबर्स ठीक है सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मदर इन लॉ का इलाज हुआ है नो टेक्सेबल करिएगा उस केस में अदर देन फैमिली मेंबर हो जाता है ठीक है एम्प्लॉयर हॉस्पिटल ठीक है एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में इलाज हुआ है एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल था एग्जेम्ट कर दीजिएगा या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हुआ एम्प्लॉयर हॉस्पिटल में नहीं हुआ बट एनी अदर हॉस्पिटल विच इज अप्रूव्ड बाई द कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और यहाँ पर स्पेसिफाइड डिजीज स्पेसिफाइड डिजीज का मतलब कैंसर ट्यूबर क्लोसेज एच आई वी एट्सट्रा तो अगर स्पेसिफाइड डिजीज़ का यहाँ पर इलाज हुआ है तो यहाँ पर भी एग्जाम रहेगा बट अगर कहीं और इलाज हुआ है, लेट से क्लीनिक में किसी डॉक्टर के क्लिनिक में है या फिर बाकी चीज़ों की कहीं और जगह पर है दैट बिकम्स टेक्सेबल ठीक है पहले कहीं अगर आपके पास पुरानी बुक होगी या बहुत पहले आपने पढ़ा होगा तो पंद्रह हजार वाली कुछ ऐसी बातें होंगी वो प्लीज़ सब कुछ हट चुकी हैं ठीक है ऑलरेडी लास्ट ईयर ही वो सब कुछ हट चुका था तो देर इज़ नो सच थिंग लाइक फिफ्टीन थाउजेंड नाओ अगर इनकेस किसी भी स्टूडेंट ने के पास पुरानी बुक या बहुत पुराने लेक्चर्स होंगे जो स्टूडेंट्स ने रिसेंटली अगर अपने इनकम टैक्स देखा हो पंद्रह हज़ार वक्त के बारे में बातें जानते नहीं होंगे तो वो तो मैं तो, उनके लिए बात ही नहीं कर रहा वो पंद्रह हज़ार भूल जाइए पंद्रह हज़ार जैसे कोई चीज़ नहीं है बट जिन स्टूडेंट्स ने बहुत पहले क्लासेस कभी की होंगी ठीक है Uh, पुरानी बुक होगी तो पंद्रह हज़ार वाली प्लीज बातें भूल जाइएगा देर इज नो सच एक्सम्पन लाइक फिफ्टीन थाउजेंड नाउ कहीं और अगर इलाज हुआ है किसी भी चाहे इम्प्लॉय का एम्प्लॉय के बच्चों का एम्प्लॉय के स्पाउस का टेक्सेबल कर दीजिएगा सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंप्लॉयर हॉस्पिटल या स्पेसिफाइड डिजीज एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल ही होगा एंड दैट टू ऑफ फैमिली मेंबर्स अदर देन फैमिली मेंबर्स टेक्सेबल इफ द ट्रीटमेंट इज आउटसाइड इंडिया तो अगर आउटसाइड इंडिया इलाज हुआ है तो जितना भी ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस है या जितना भी स्टे का एक्सपेंसेस है स्टे कौन करेगा पेशेंट uh, प्लस एक डिपेंडेंट अलाउड है एक डिपेंडेंट अलाउड है तो स्टे और ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस अलाउड हो जाएंगे अप टू आरबीआई लिमिट सर आरबीआई लिमिट कितनी होगी वो आपको क्वेश्चन में मैंशन होगी अप अपू आरबीआई लिमिट एग्जम्प्ट हो जाएगा बट इन केस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फुली टैक्सेबल भी हो सकते हैं फुली एग्जम्प्ट भी हो सकते है, वो हैं वो डिपेंड करता है हमारी ग्रॉस टोटल इनकम पर अगर ग्रॉस टोटल इनकम टू लाख रुपीज तक है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्जिमट हो जाएंगे अगर जी टी आई लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टैक्सेबल हो जाएंगे ठीक है तो बाहर जाने में तीन तरह के खर्चे होते हैं एक तो ट्रीटमेंट का एक स्टे का एक ट्रैवलिंग का तो ट्रीटमेंट और स्टे अप टू आर लिमिट ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस अगर क्वेश्चन में आर लिमिट देगा कन्फ्यूज़ करने के लिए तो प्लीज़ आप एग्जामिनर को बोल दीजिएगा कि मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं हूँ या मैं हूँगी

फुली कुछ परक्यूजिट्स हैं फुली एग्जेम्ट हैं तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट परक्यूज यहाँ पे लिखे हैं जो फुली एग्जैम्ट हैं अगर इम्प्लॉयी को टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टेलीफोन फैसिल टेलीफोन अलाउंस नहीं टेलीफोन अलाउंस इज फुली टेक्सीबल टेलीफोन फैसिलिटी ठीक है परक्यूजिट तो अगर इंप्लॉय के घर पे टेलीफोन लगवाया जाता है वैसे मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है उसका बिल कंपनी पे कर रही है तो दैट इज एग्जेमट ठीक है क्यों क्योंकि मेनली वो अपने काम उसमें ज़्यादा करती है अब उसकी कॉल रिकॉर्ड्स नहीं रखेगा इनकम टैक्स ऑफिसर की कितनी कॉल्स आपकी पर्सनल थी कितनी ऑफिशियल थी नो इट विल बी इट विल बी फुली एग्जैम्ट ठीक है ये कंप्यूटर फैसिलिटी दी जाती है घर पर तो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज फुली एग्जेप्ट टैक्सेबल नहीं होती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में हमने देखा था अकोमोडेशन एग्जेम्ट है फॉरन परक्यूजेट या अलाउंसेज दिए जाते हैं अगर इंडियन सिटीजन को बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कौन लोग होते हैं जनरली जो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन फॉरन सर्विसज में काम करते हैं और उनको हम लोग आउटसाइड इंडिया प्लेस कर देते हैं ठीक है हमने उनको आउटसाइड इंडिया प्लेस कर दिया है इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको पैसे दे रही है तो इनकी यू अंडरस्टैंड दिस इज़ देअ डीम्ड इनकम विच इज़ ए और राइज इन इंडिया ठीक है हम इसको डीम्ड क्रूअल के बेसिस पर टेक्सीबल करते हैं तो जो भी इनको बेसिक सैलरी मिलती है दैट इज़ टेक्सीबल इन इंडिया ठीक है गवर्नमेंट इनको पैसे दे रही है टू इंडियन सिटीजन बट इनको जो भी फॉरन अलाउंसेज मिलते हैं या परक्यूज मिलते हैं दैट इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं लिखा हुआ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब है आपको कैब पिक कर रही है आपको एक कार पिक करती है आपके घर से ऑफिस ले जाती है ऑफिस से वापस छोड़ देती है घर आपको तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज टेक्सेबल अलाउंस टेक्सेबल होगा ठीक है अलाउंस मतलब पैसों में चीजें पैसे मिलते हैं जब आपको टेक्सेबल हो जाता है फिजिकली एंडी कैप्ट ब्लाइंड डेफ डम के लिए थर्टी टू हंड्रेड तक एक्जेप्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस बट दिस इज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो आपको कैब फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है दैट इज एक्जेम्प्ट ठीक है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एग्जेमट रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ फॉर इम्प्लॉयज़ अगर इम्प्लॉज़ को टीम आउटिंग के लिए लेके ले, ले, ले जाया जाता है जैसे टीम आउटिंग्स होती हैं आपकी टीम में दस पंद्रह इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं साथ में आपका टीम मैनेजर आपको पिक्चर दिखाने के लिए लेके जाता है या फिर आउटिंग पर लेके जाता है आजकल तो खैर नहीं कोविड के टाइम पर तो कोई पिक्चर नहीं जाएगा बट स्टिल अगर इम्प्लॉयज़ के लिए रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ एक दिन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रिवर राफ्टिंग के लिए शिवपुरी ऋषिकेश ले गए हैं रिवर राफ्टिंग के लिए या इस तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है तो दैट इज़ एग्जेम्ट फॉर एम्प्लॉज ठीक है और अकोमोडेशन तो टेक्सीबल होता है बट अगर रिमोट एरिया में प्रोवाइड किया जाता है किसी माइनिंग साइट पर या ऑयल एक्सप्लोरेशन की साइट पर दैट इज एग्जैम्ट ठीक है क्लियर हैं तो ये हम परक्यूज के बारे में बातें कर रहे थे रेंट फ्री एकोमोडेशन कार का परक्यूज काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर भी मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इंपॉर्टेंट सभी हैं और आप अब इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं मैंने पूरा समराइज कर दिया है चार्ट फॉर्म में यू कैन ईजली डू दिस ठीक है नेक्स्ट पर आ जाए आई टॉक अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स चलिए रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले विल टॉक अबाउट ग्रेटिटी और आपको याद होगा ग्रैटिटी मिलती है रिटायरमेंट पर देन इट कुड बी एग्जेप्ट इन केस अगर ग्रैचुटी ड्यूरिंग जॉब मिलती है तो दैट इज़ फुली टैक्सीबल किसी भी तरह के इम्प्लॉय हो वेदर दैट पर्सन इज अ गवर्वमेंट इम्प्लॉय ड्यूरिंग द जॉब ही अगर आपको ग्रेटुटी मिल जाती है तो दैट इज टैक्सीबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इम्प्लॉयज़ बट वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट ग्रेचुटी सो इन केस द इम्प्लॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्मेंट या लोकल अथॉरिटी इंप्लॉय उनके लिए तो फुली एग्जैम्ट रहती है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है विल मेक इट फुली एग्जेप्ट

दे आप एज्यूम कर सकते हैं फिर आप प्रोसीड कर करिएगा जनरली एज्यूम कर, कर uh, कीजिएगा कि द पर्सन इज कवर्ड अंडर ग्रेटुटी एक्ट ठीक है वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हैं बट जनरली आई वुड रिकमेंड कि एज्यूम करिएगा दैट पर्सन इज कवर्ड अंडर ग्रेटिटी एक्ट ओके इफ द इम्प्लॉय इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही इज गेटिंग ग्रेटिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन वो यहां से इस कंपनी को छोड़ रहा है उस समय ग्रेटिटी उसको मिल रही है एंड द पर्सन इज कवर्वर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट तो तीन चीज़ें देखनी है हमें तीनों में से जो भी लीस्ट होगा दैट वुड बी एग्जाम फर्स्ट इज एक्चुअल ग्रेटुटी रिसीव्ड सेकेंड इज फिक्स लिमिट ट्वेंटी लाख फिक्स लिमिट है एंड द थर्ड इज फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स ठीक है फिफ्टीन मतलब ऑलमोस्ट हाफ जो नंबर ऑफ डेज लेने इन इन अ मंथ वो हम 26 ले रहे हैं कुल मिलाकर वर्किंग डेज ले रहे हैं संडेज़ हटा दिए गए चार संडेज़ तो 15 बाई ट्वेंटी सिक्स मतलब ऑलमोस्ट हाफ है ये बट आपको वन अपॉन्ट टू नहीं करना है यहाँ पर आपको 15 बाई ट्वेंटी सिक्स ही लेना है इन केस द इम्प्लॉज़ कवर्ड अंडर ग्रैचुटी एक्ट तो फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कम्पलीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ सिक्स मंथ से ज़्यादा हो रहे हैं तो प्लीज़ उसको राउंड ऑफ़ करिएगा फिर उसको राउंड ऑफ़ करिएगा ट्वेंटी सिक्स ईयर्स सेवन uh, मंथ्स हो रहे हैं तो प्लीज़ उसको ट्वेंटी सेवन ईयर्स ही लीजिएगा ठीक है अब देखिए अगर जनरली uh, मैथ्स में क्या करते हैं हम लोग फिफ्टीन पॉइंट फाइव होता है तो हम उसको सिक्सटीन मान लेते हैं ठीक है पॉइंट फाइव को एग्जैक्ट अब मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर लिखा हुआ है ट्वेंटी फाइव ईयर सिक्स मंथ्स ट्वेंटी फाइव ईयर्स और सिक्स मंथ्स लिखा हुआ है एग्जैक्ट तो अब इसको ट्वेंटी सिक्स करेंगे या नहीं करेंगे अब यहाँ पर मैं uh, अगर बिल्कुल वर्डिंग के हिसाब से चलता हूँ तो इट्स एक्सीड so मतलब करेगा off, अगर एग्जैक्ट सिक्स मंथ्स करेगा तो राउंड सिक्स uh, होगा तो राउंड ऑफ मत खींचेगा ठीक है पार्ट ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स और यहां पर लास्ट ड्रॉन सैलरी में सैलरी का क्या क्या कंपोनेंट लेने हैं बेसिक सैलरी प्लस डीए डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं ऐसा कुछ नहीं है डीए पूरा ठीक है तो बेसिक सैलरी प्लस डी ए लेना है इन केस द इज नॉट कवर्ड अंडर ग्रेटिटी एक्ट उस केस में एक्चुअल रिसीव लाख रहेगा दोनों में अमाउंट सेम है एक्चुअल ट्वेंटी लाख रुपीज थर्ड में थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स था जो ऑलमोस्ट वन बाय टू था बट यहां पर एग्जैक्ट वन बाय टू लेना है यहां पर फिफ्टीन बाय ट्वेंटी सिक्स ही लेना है एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट मंथ्स यहां पर था लास्ट ड्रॉन सैलरी यहाँ पर है एवरेज सैलरी ऑफ टेन मंथ्स तो जब कभी भी रिटायर हुए हैं उससे पहले के दस महीने का एवरेज लेना है और सैलरी में क्या क्या लेना है यहाँ पर आर सैलरी आएगा आर बी तीन कंपोनेंट्स आते हैं जो एच के लिए हम सैलरी लेते हैं वही सैलरी यहाँ पर लेनी है बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ठीक है एंड ओनली कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना है लेट्स से एम्प्लॉय हेज वर्क फॉर ट्वेंटी सिक्स ईयर इलेवन मंथ्स इलेवन मंथ्स को मत लीजिएगा ओनली कंप्लीट ईयर्स लीजिएगा इस केस में यहां पर सिक्स मंथ्स एक्सीड हो जाते हैं तो फिर आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा ठीक है नोट ग्रेटिटी अगर ड्यूरिंग योर जॉब मिलती है ड्यूरिंग टेन योर मिलती है रिटायरमेंट से पहले ही मिल जाती है तो आप फुली टेक्सेबल कीजिएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी फुली टेक्सेबल कर दीजिएगा ठीक है आई एम सो सॉरी इनकेस ग्रेटिटी अगर पहले लेट्स से एम्प्लॉयज वर्किंग विद सम कंपनी और वो वहां से रिटायर हुआ ग्रेटुटी मिली एग्जम्पन ले सकते थे हाँ ले सकते थे बिकॉज ही इज गेटिंग रिटायर्ड उन्होंने कुछ एग्जेम्पन ले ली लेट्स से उन्होंने एट लाख रुपीज की एग्जम्पन ले ली एंड नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग विद सम अदर एम्प्लॉयर वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करने लगे हैं और वहाँ से रिटायर होते हैं और सेकेंड एम्प्लॉयर से भी ग्रेटुटी मिलती है तो क्या यहाँ पर भी एग्जाम्पन ले सकते हैं द आंसर इज़ येस एग्जम्पन ले सकते हैं बट जो हमारी ट्वेंटी लाख रुपीज़ की लिमिट थी दैट लिमिट विल बी रिड्यूस्ड बाय द एग्जम्पन क्लेम्ड अर्लियर याद आ गई ये बात आपको ठीक है तो आप ऐसा नहीं कि हर बार आप रिटायर हो ट्वेंटी लाख ट्वेंटी लाख रुपीज़ की लिमिट फ्रेश लिमिट ले सकते हैं नहीं यानी कि अब मैं कह सकता हूँ ट्वेंटी लाख की जो लिमिट है दैट इज़ फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एम्प्लॉई अगर वो लेट से एट लाख सेवन लाख जितने भी अमाउंट की वो पहले ले चुका है वो आपकी ट्वेंटी लाख ,00 की लिमिट उस एग्जाम से रिड्यूस हो जाएगी तो सेकंड टाइम से एट लाख पहले ले चुके थे जब सेकंड टाइम एग्जामिशन लीजिएगा तो इसको ट्वेंटी मत लिखिएगा ट्वेल्व लाख लिखेगा, 12 लिखेगा. से कर चुके थे तो ट्वेंटी लाख माइनस थर्टीन कितना सेवन फिर ये लिमिट सेवन लाख हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट पेंशन पेंशन इज़ कवर्ड अंडर सैलरी मैंने कहा था शुरू में अगर हमें पैसे मिलते हैं अपने इम्प्लॉयज से एम्प्लॉयर से या फिर अपने एक्स एम्प्लॉय से यानी कि एक्स एम्प्लॉयर जहाँ पर हम पहले काम करते थे वहाँ से अगर हमें पेंशन मिलती है तो दैट इज़ कवर्ड अंडर सैलरी हम उसको टैक्सीबल करते हैं बट डिपेंड करता है ये पेंशन कैसी है अगर ये पेंशन रेगुलर पेंशन है दैट वी कॉल अनकम्यूटेड ठीक है जिससे कि ज़्यादातर पेंशन मिलती है हर महीने मिलती है तो दैट इज़ टैक्सीबल अंडर सैलरी ठीक है एवरी ईयर एवरी मंथ उसको टैक्सेबल हम करते हैं बट इन केस इट इज़ अ लमसम पेंशन दैट वी कॉल कम्यूटेड पेंशन तो कम्यूटेड पेंशन लमसम जो मिलती है हमें दैट पेंशन कुड बी एग्जाम ठीक है यहाँ पर नीचे नोट लिखा है मैंने अनकम्यूटेड पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन विच इज़ रेगुलर पेंशन सॉर्ट ऑफ रेगुलर हर महीने जो मिलते हैं इम्प्लॉ को या एक्स एम्प्लॉय को दैट इज़ उसको पूरा का पूरा टैक्सीबल जाएगा फॉर ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ बट इन केस अगर ये लमसम पेंशन है कम्यूटेड पेंशन है तो हम इसको एग्जेमट कर सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जम्ट है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी एग्जाम नहीं है कुछ पार्ट ही इसका एग्जाम्ट है बाकी की टैक्सेबल हो जाएगी अब डिपेंड करता है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेटुटी मिलती है या ग्रैटुटी नहीं मिली ठीक है पेंशन मिली लमसम साथ साथ में अगर आपको ग्रेटिटी भी मिलती है ठीक है तो यहां पर हमें दो फायदे हो रहे हैं एक तो पेंशन भी मिली लमसम और साथ साथ में ग्रेटिटी मिली है तो हम थोड़ा सा कम एग्जम्शन देंगे इन केस इंप्लॉई इज़ नॉट गेटिंग ग्रैटुटी अगर इंप्लॉय को ग्रेटिटी नहीं मिली है सिर्फ कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो उस केस में हम उसको ज्यादा एग्जामेशन देंगे तो कितनी ज्यादा दे रहे हैं यहां पर इन केस द पर्सन इज अ गवर्नमेंट इंप्लॉय पहले देख लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कम्यूटेड पेंशन फुली एग्जाम याद रखिए अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता है क्वेश्चन शुरू के इंप्लॉय uh, रिटायर हुआ उसने अगले तीन महीने तक अनकम्यूटेड पेंशन ली तो तीन महीने तक टैक्सेबल कीजिएगा पूरा उसके बाद उसने कम्यूट करा लिया पेंशन को तो जब कम्यूट करा लिया है तब आप एग्जम्शन दे सकते हैं तो इन केस द पर्सन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेट अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ग्रेटुटी नहीं मिली या ग्रेटुटी मिली अगर ग्रेटुटी नहीं मिली तो वन अपॉइंट टू और ग्रेटुटी मिलती है तो वन अपॉइंट थ्री ठीक है देखिए बहुत सिंपल सी बात है लॉजिक हम लोग कैसे करते हैं इसको याद कि अगर ग्रेटिटी नहीं मिली तो ज़्यादा एग्जम्शन ठीक है वन पॉइंट टू है ग्रैटिटी मिल गई है तो कम एग्जामिशन वन अपॉन थ्री अब मुझे बताइए वन अपॉन टू और वन अपॉन थ्री में से क्या बड़ा है वन अपॉन टू बड़ा है फिफ्टी परसेंट वन अपॉन थ्री का मतलब थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में देखता हूँ तो तो यहाँ पर ज़्यादा एग्जामिशन अगर ग्रेटिटी नहीं मिली तो बॉस इंप्लॉय को ज़्यादा एग्जामिशन दे दीजिए बेचारे को सिर्फ पेंशन मिल रही है कम्यूटेड ग्रैटुटी नहीं मिली तो वन पॉइंट टू अदरवाइज ग्रैटुटी मिली तो वन पॉइंट थ्री बट वन पॉइंट टू या वन पॉइंट थ्री ऑफ वॉट इन जितनी इनको अगर ये पूरी की पूरी अपनी पेंशन को कम्यूट कराते उसका वन ओ टू या उसका वन ऑफ थ्री अगर पूरी पेंशन को कम्यूट कराते तो हम कैसे निकालते हैं पूरी पेंशन को कम्यूट कराते कम्यूटेड पेंशन अपॉन परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन ठीक है इससे क्या पता चलता है कि अगर इनकेस हंड्रेड परसेंट अगर पेंशन कम्यूट होती तो वो कितनी होती उसका वन ओ टू या उसका वन पॉइंट थ्री क्लियर है याद रखिएगा अनकम्यूटेड पेंशन इज फुली टेक्सीबल ओके कम टू क्या करें लीव सैलरी कर रहे करें चलिए लीव सैलरी करते हैं पहले अगर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर या जब वो इस कंपनी को छोड़कर जा रहा है उसके पास कुछ लीव्स बची हैं और लीव्स के उसको पैसे मिल रहे हैं तो दैट इज सैलरी इनकम और उसमें से हम कुछ एग्जें्पन कर सकते हैं केस अगर किसी एम्प्लॉय को हर साल लीव्स इकट्ठी जो इकट्ठी होती थी उससे हर साल उसको इन करा लेता है ठीक है इफ़ ही इज गेटिंग हिज लीव इन कैश्ड एवरी ईयर तो उस केस में तो फुली डेक्सीबल करेंगे ठीक है ड्यूरिंग टेन यूअर अगर लीव सैलरी मिल रही है तो फुली डेक्सीबल करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन जब आप जा रहे हैं इस कंपनी को छोड़कर तब बातें करेंगे तो लीव सैलरी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो फुली एग्जेप्ट कर दीजिएगा ठीक है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रेजिग्नेशन ठीक है ड्यूरिंग टेन यूर मिलती है ड्यूरिंग टेन यूर मिलती है तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है लीव लीव सैलरी सैलरी ड्यूरिंग फुली टैक्सेबल ठीक है हम रिटायरमेंट की बातें कर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लॉय के लिए तो फुली ठीक है अदर एम्प्लॉय के लिए लीस्ट ऑफ दीज फोर चारों में से जो भी लीस्ट होगा क्या क्या एक्चुअल लीव इन कैशमेंट थ्री लाख फिक्स लिमिट है जैसे ग्राटिटी में ट्वेंटी लाख फिक्स लिमिट थी यहाँ पर थ्री लाख फिक्स लिमिट है टेन इंटू एवरेज सैलरी एवरेज सैलरी का मतलब क्या हुआ जिस भी दिन वो रिटायर हुआ है उससे पहले के दस महीने का एवरेज देखना है तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर एवरेज ऑफ लास्ट टेन मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट जब भी वो रिटायर हुआ ठीक है इम्प्लॉय उससे पहले के दस महीने ठीक है उससे पहले के दस महीने का एवरेज देखना है और सैलरी में क्या क्या लेना है वही आर सैलरी तीन कंपोनेंट्स बेसिक सैलरी डी फॉर्मिंग पार्ट फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न तो टेन इंटू एवरेज सैलरी पिछले दस महीने का एवरेज लीजिएगा ठीक है डिवाइड बाय टेन करके एवरेज आ जाएगा फिर उसको वापस टेन से ही मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दस महीने की सैलरी लेनी है और लास्ट है और इंपॉर्टेंट है लीव्स एट द क्रेडिट इन टू एवरेज सैलरी लीव एट द क्रेडिट मतलब आपके पास कितनी छुट्टियाँ बची हैं लीवस एट द क्रेडिट कैसे निकालते थे हमारी कंपनी हमें कितनी लीवस देती है जित जितना ग्रांट करती है हमारी कंपनी तो लेट से हमारी कंपनी हमें ट्वेंटी फाइव डेज की लीव्स ग्रांट करती है एवरी ईयर तो क्रेडिट में कितनी छुट्टियां होंगी हमारे पास फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से हम पाँच छुट्टियाँ हर साल लेते थे तो माइनस फाइव कीजिएगा लीव्स अवेल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से हम आ, पाँच छुट्टियाँ इन कैश भी कराते थे तो माइनस फाइव कीजिएगा तो आपके पास कितनी छुट्टियाँ बचती होंगी फिफ्टीन डेज की एवरी ईयर ठीक है आम अगेन रिपीटिंग लेट्स से ट्वेंटी फाइव डेज़ की लीव्स ग्रांट होती थी तो माइनस कीजिएगा इसमें से लीव्स अवेल्ड जितनी आप लीव्स अवेल करते थे अगर आपने कुछ इन कैश कराते थे छुट्टियां तो वो भी माइनस कीजिएगा तो आपके पास छुट्टियां कितनी बची हैं तो फॉर एग्जांपल एक साल में पंद्रह दिन की छुट्टियां बची हैं ठीक है थीके? और जितना भी आपके कम्प्लीटेड ईयर्स ऑफ जॉब आपने काम किया तो उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास लीवस द क्रेडिट आ जाएगा तो उसको पर मंथ करिएगा ठीक है लीव्स द क्रेडिट कितना आया है इन एवरेज सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्थ मिलेगा बट प्लीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको ये बात याद आ गई होगी कि लीव ऑफ द क्रेडिट अगर आपकी कंपनी ग्रांट करती है बीस दिन की छुट्टियाँ पच्चीस दिन की छुट्टियाँ थर्टी डेज़ की छुट्टियाँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर इन केस अगर आपकी कंपनी ग्रांट करती है आपको मोर देन थर्टी डेज लीव लेट से थर्टी फाइव डेज थर्टी सिक्स डेज फोर्टी डेज तो जब हम लीव ऑफ द क्रेडिट कंप्यूट करेंगे तो मैक्सिमम लीव ग्रांटेड को फिर थर्टी से ज़्यादा नहीं ले सकते मैक्सिमम लीवस ग्रांटेड को आपको थर्टी थर्टी से कम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है थर्टी से ज़्यादा है तो मैक्सिमम थर्टी ही लीजिएगा ठीक है तो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट योर लीव सैलरी ओके टॉक अबाउट प्रोविडेंट फंड लिट्स टॉक अबाउट प्रोविडेंट फंड तो इम्प्लॉय के लिए जो इम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ओपन कराता है इट कुड बी थ्री टाइप्स ऑफ फंड ठीक है पी पी एफ की बातें नहीं करूँ पी पी एफ तो हम अपने खुद के लिए ओपन कराते हैं बट इम्प्लॉयर जो हमारे लिए प्रोविडेंट फंड ओपन करा सकता है दैट कुड बी स्टैचुट्री प्रोविडेंट फंड मेनली फॉर गवर्नमेंट इम्प्लॉइज रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड ज़्यादातर हमें यही मिलता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और कुछ केसेस में हो सकता है यूआरपीएफ भी हो अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तीनों बातें याद आ गई होंगी स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है जितना भी इम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूट करा है फुली एग्जाम है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है दैट इज ऑल्सो फुली एग्जाम एसपीएफ तो बहुत ईजी होता है कैलकुलेट करना कैलकुलेट करना ही नहीं यहाँ पर इनफैक्ट तो जितना भी इम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कराता है दैट इज फुली एक्जाम उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट एक्यूमलेट हो रहा है दैट इज ऑल्सो फुली एक्जैम्ड बट इन केस इफ इट इज रिकोगग्नाइज प्रोविडेंट फंड आर पी एफ है अगर ये आर पी एफ है ज्यादातर एग्जाम में आर पी एफ ही आता है तो इन केस अगर आर पी एफ है तो जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसको हम एग्जेप्ट करते हैं अप टू ट्वेल्व परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी का मतलब वही आर पी एफ सैलरी तीन चीजें बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्न ओवर तो इन एक्सेस ऑफ ट्वेल्व परसेंट टेक्सीबल होगा अप टू ट्वेल्व परसेंट तक एग्जैम्ट होता है बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है यहाँ पर 12 परसेंट एग्जेंट होगा साथ साथ में एक और लिमिट लगाएंगे हम 7.5 लाख रुपीस की ये बातें भी मैंने अमेंडमेंट में कवर की थी ठीक है 7.5 लाख से ज़्यादा आप यहाँ पर टैक्सेबल कर दीजिएगा और इनफैक्ट 7.5 लाख की लिमिट सिर्फ आर के लिए नहीं है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन दो चीज़ें और आती हैं इसमें ठीक है अप्रूव्ड सुपर इनोवेशन फंड और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ठीक है उन तीनों को लिमिट मिलाकर 7.5 लाख तक एक्जिम है इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टैक्सेबल होगा और इम्प्लॉयर का इंटरेस्ट भी 9.5 परसेंट इंटरेस्ट रेट तक एग्जिम होता है अगर इंटरेस्ट रेट इससे ज्यादा है तो दैट एक्सेस अमाउंट बिकम्स टैक्सेबल और साथ साथ में अगर ओवर एंड अबाउ सेवन पॉइंट लाख के ये बात आपको याद आ गई होगी अमेंडमेंट में डिस्कस की थी हमने सेवन लाख से ज्यादा का अमाउंट अगर टैक्सेबल हो रहा है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होता है ठीक है यू आर पी एफ हर साल टैक्सेबल नहीं करते यू आर पी एफ का होता है क्या होता है अनरिकोगनाइज अनरिकग्नाइज मतलब किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से रिकग्नाइज नहीं है इसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल एम्प्लॉयर का होता है ठीक है हम एम्प्लॉयर की मर्जी पर रहते हैं शायद ये पैसे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे पता नहीं तो जब ये पैसे मिलते हैं एक्चुअली हम तभी टैक्सेबल कर सकते हैं क्योंकि जब तक ये पैसे नहीं मिले डाउटफुल है पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे तो जब तक ये पैसे नहीं मिलते तब तक हम इसको टैक्सीबल नहीं करेंगे जब ये जिस साल ये पैसे मिल जाएंगे उस साल टैक्सीबल करते हैं अंडर द हेड सैलरी ठीक है तो यू आर पी एफ के जब पैसे मिलते हैं तो हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करते हैं एक तो इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है एक एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है एक एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट ठीक है ये हम डिटेल्ड लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं और एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो ये पूरा अमाउंट मिलता है यू से जब ये पैसा विड्रॉ होता है लास्ट में तो इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन तो इनकम नहीं होती क्योंकि वो तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है दैट इज आई ऑफ़ ओएस क्योंकि वो हमारे अपने पैसों के ऊपर इंटरेस्ट आया दैट इज आई ऑफ़ ओवेस याद आ गया होगा आपको इम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसके ऊपर इंटरेस्ट ये दोनों पोर्शन दिस इज बिकम्स माई सैलरी इनकम इन द ईयर वेन दे आर एक्चुअली रिसीव्ड ठीक है रिटायरमेंट बेनिफिट में दो और चीज़ें पढ़ते हैं ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बहुत कम देखा गया है कि एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है वी आर एस पर पैसा मिलता है या फिर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन तो वी आर एस के बारे में बातें करें पहले वी आर एस वॉल्टी रिटायरमेंट अगर ले लेता ले है अपनी रिटायरमेंट एज जो भी रिटायरमेंट एज है लेट्स सिक्सटी ईयर्स उससे पहले ही अगर वो रिटायरमेंट ले लेता है अपनी कंपनी की तरफ से और कंपनी उसको कुछ पैसे पे करती है एज योर वी आर एस स्कीम के अकॉर्डिंग तो दैट बिकम्स आर सैलरी इनकम बट उसमें से कुछ एग्जेम्ट करते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्ट कितना जितना भी अमाउंट मिला वी आर एस का पहले वो लिखिए उसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वी आर एस जितना अमाउंट हमें वी आर एस पे मिला सेकेंड फाइव लाख की फिक्स लिमिट है थर्ड है थ्री इंटू सैलरी इंटू कम्पलीटेड ईयर ऑफ सर्विस थ्री इंटू सैलरी मतलब थ्री मंथ सैलरी थ्री मंथ सैलरी जितना भी आपने यहाँ पर काम किया उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा सैलरी में क्या क्या लेना है वही बात है आर बी एस सैलरी बेसिक सैलरी डी ए फॉर्मिंग पार्ट फिक्स परसेंटेज कमीशन रिटर्न हुआ अब देखिए ये पर्टिकुलर सैलरी बहुत जगह पर काम आती है एच आर ए में काम आई आ, आई हमारी लीव सैलरी में काम आई हमारी ग्रेचुटी जो लोग नॉट कवर्ड थे वहाँ पर काम आई हमारी प्रोविडेंट फंड आर पी एफ में काम आई इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया था आर बी एस रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी ठीक है ओके एंड फोर्थ इज जितना भी आपने लास्ट सैलरी ड्रॉ की थी ठीक है ये सारे कंपोनेंट्स इंटू रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल उस कंपनी की रिटायरमेंट एज है सिक्सटी ईयर्स और फॉर एग्जाम्पल पचास साल में ही वी आर एस ले रहे हैं इंप्लॉय तो दस साल पहले रिटायर हो रहे हैं तो कितने महीने बचे हैं सर टेन ईयर्स मतलब इंटू ट्वेल्व करके देखेंगे तो वन ट्वेंटी मंथ्स बचे हैं अभी रिटायरमेंट के सो रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा जैसे दस साल है तो एक सौ बीस मंथ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा विच एवर इज लोअर एग्ज कीजिएगा ठीक है एंड सिमिलरली रिट्रेंचमेंट कम्पनसेशन रिट्रेंचमेंट कम्पनसेशन अगर कंपनी बंद हो रही है लेट से ठीक है या फिर वो एम्प्लॉय को बोल रही है कि आपको हम यहाँ से बाय बाय करना चाहते हैं तो इन दैट केस दिव्यू रिटरेंचमेंट कम्पनसेशन तो उस केस में इम्प्लॉय को रिटरेंचमेंट कम्पनसेशन मिलती है जितना भी रिट्रेंचमेंट कम्पनशन मिलता है दैट बिकम्स आर सैलरी इनकम बट उसमें से हम एग्जम्प्ट करेंगे लीस्ट ऑफ दीज थ्री एक्चुअल कंपनसेशन रिसिव्ड रुपीज़ फाइव लाख फिक्स लिमिट है फाइव लाख रुपीज़ की एंड नेक्स्ट वुड भी फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू एवरेज सैलरी इंटू कम्पिट ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट दियर ऑफ़ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ्स यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमें ग्रेटुटी जैसा लगता है फिफ्टीन बाई ट्वेंटी सिक्स इंटू सैलरी इंटू कम्पिटी ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट दियर ऑफ इन एक्सेस ऑफ सिक्स मंथ यही बातें हमने ग्रैटुटी में भी देखी थी यहाँ पर ठीक है बट थोड़ा सा फ़र्क है सैलरी में ग्रैटिटी में सैलरी थी बेसिक सैलरी प्लस डी ए यहाँ पर है बेसिक सैलरी प्लस डी ही नहीं सारे अलाउंसेज आ जाएंगे यहाँ पर ठीक है डी फॉर्मिंग पार्ट वगैरह हो या ना हो सारे अलाउंसेज कंप्लीट डी ऑल योर अलाउंसेज बी कवर्ड ऑल योर कमीशन ऑल योर परक्यूज वुल बी कवर्ड यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन में हम सब कुछ लेते हैं बट सिर्फ और सिर्फ बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को छोड़कर तो यहां पर बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लेते हैं बट जनरली देखा गया है कि इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं एग्जामिनर स्पेसिफिकली रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन को और वी को अगर रिटायरमेंट बेनिफिट की मैं बातें करता हूं तो ग्रेटिटी पेंशन लीव सैलरी प्रोविडेंट फंड ज्यादा वेटेज रखते हैं फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं सो दिस अबाउट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और यहां पर हमने अपना सैलरी का पोर्शन कंप्लीट कर एक छोटा सा बात बची है प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी याद है हमने शुरुआत की थी सैलरी में मेनली हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे अलाउंसेज डिस्कस किए पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी छोटा सा टॉपिक है सेवनटीन थ्री में कवर्ड होता है uh, कुछ प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किए प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि बिकॉज द इम्प्लॉइज़ वर्किंग विद दैट कंपनी इसलिए वो कंपनी कभी कभी कुछ आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देती है दैट वी कॉल्ड प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी एंड प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी भी सैलरी हेड में टेक्सीबल होती है ठीक है जैसे कि अगर आप इसी पेज पर देखें तो प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी लेट से अगर एम्प्लॉ को निकाला गया टर्मिनेट किया गया जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दैट इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी या फिर उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई किया गया लेट्स पैसे क्यों दिए गए उसका लेट्स डिमोशन कर दिया गया और उसको कुछ पैसे दे दिए गए कंपनसेट करने के लिए दैट बिकम्स आ प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी या फिर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है हमारी कंपनी में एक मेन uh, एम्प्लॉई है उसके लिए कंपनी इंश्योरेंस करा देती है कि अगर इसको कुछ हो जाएगा तो कंपनी को प्रॉब्लम होगी तो लेट्स से अगर उसको कुछ हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलते हैं दैट वी अंडरस्टैंड की मैन इश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं इसको अगर ये पैसे कंपनी को मिल जाए ठीक है कंपनी को भी मिलते हैं वैसे क्योंकि इसकी प्रीमियम कंपनी पे करती है एम्प्लॉयर पे करता है और एम्प्लॉयर का ही इसके ऊपर फर्स्ट राइट होता है पैसों के ऊपर जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा दैट बिकम्स पी जी बी पी फॉर द कंपनी अगर ये पैसे कंपनी अपने पास रख लेती है तो कंपनी का पी जी बी पी की इनकम बट लेट से अगर वो कंपनी अपने पास पैसे नहीं रखती है वो कहती है कि हम इस इम्प्लॉय को देना चाहते हैं पैसे तो अगर वो एम्प्लॉय को दे देते हैं पैसे तो दैट बिकम्स एम्प्लॉय इनकम अंडर द हेड सैलरी एंड दैट इज़ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी अमाउंट सीड ऑन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द कंपनी जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला इंश्योरेंस क्लेम कंपनी को मिलेगा बट कंपनी अपने पास ना रख के पास ऑन कर देती है एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय की इनकम बन जाती है अंडर द हेड सैलरी या फिर प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी का और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बोनस बोनस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी uh, में यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय और काफी अच्छी परफॉर्मेंस uh, है आपका लेट से यू आर वर्किंग विद से आप वोडोन नहीं जट से यू आर वर्किंग विद एयरटेल आप एयरटेल के साथ काम कर रहे हैं भारतीय एयरटेल के साथ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं आप ठीक है और जियो को पता चलता है कि आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं तो वो आपको बोलती है कि ठीक है आप क्या हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे हम आपको अच्छी सैलरी देंगे और साथ साथ में आपको फाइव लाख रुपीज़ का ज्वाइनिंग बोनस देंगे ठीक है ज्वाइनिंग बोनस मिल रहा है आपको दैट इज़ अ प्रॉफिट विच यू आर गेटिंग टू ज्वाइन दैट कंपनी तो जो आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलता है ठीक है मतलब एकदम ज्वाइन करते ही पैसे मिलते हैं तो दैट इज अगेन प्रॉफिट एंड ली ऑफ सैलरी तो सैलरी में ही आएगा ठीक है तो अगर आपको कोई लमसम पेमेंट मिलती है बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी आफ्टर ऑफ ऑफ जॉब जॉब मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल uh, uh, जो बाद में पैसे मिलते हैं अगर जॉब छोड़ने के बाद जन लाइक पेंशन या किसी भी तरीके से चीज़ें अगर आपको इनकम मिल रही है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर दैट वी कॉल अ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी ठीक है सो दिस इज ऑल प्रॉफिट इन ली ऑफ सैलरी

Thank you so much. Bye and take care.